आप हम सब सुन रहे हैं, तो किस तरीके से सुनना उसे, तो क्या एक बार का हमको फरमा रहे हैं कि परमात्मा के चरित्र को कैसे देखना, तो एक आईने की तरह देखना। आईने में क्या देखते हैं हम? आईना हम देखते हैं कि आईने के माध्यम से अपने आप को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है जो सिर्फ आईने को देखते रहते हैं, है क्या कोई ऐसा बात? ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब हम अपने आप को आईने के माध्यम से देखते हैं। तो परमात्मा के चरित्र को भी इस तरीके से सुनना कि मानो वो एक आईना है, उनका चरित्र से उनको देख लिया तो हमारा कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो जी लिया उसे, पर उस चरित्र के माध्यम से अपने आप को देखते जाए कि मेरे जीवन में कहां कहां कमी चलती है, उन कमियों को भी कैसे हटा सकता हूं, अरे परमात्मा उस विकराल दशा में कैसे जी रहे होंगे और उन्होंने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया नए साल के भव से, तो उसको अपने जीवन से कनेक्टेड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो शायद कुछ ना कुछ लाभ हमारे जीवन में हमको अवश्य होगा। तो आईने की तरफ से देखना है और सीखना है, एक नए साल का भव था जब वो मेरे जैसे था, और हो सकता है उसकी स्थिति बाहर से हमारे से भी कमजोर हो, उसको देवगुरु धर्म का सहयोग नहीं मिला था, ना ही उसके पास मंदिर जाने की व्यवस्था, ना ही गुरु ग्रंथ को चातुर्मास में सुनने की कोई व्यवस्था, क्योंकि वो तो कैसे थे अजय थे ना। पर फिर भी उस आत्मा ने क्या कर लिया, उस समय परमात्मा को पा लिया, परमात्मा को हम सबने पाया होने की वजह से, पर परमात्मा अभी हमको नहीं मिले, हम सबको परमात्मा मिल गए द्रव्य से, पर भावों से परमात्मा हमारे जीवन में नहीं आए, पर उस नैसर्गिक क्या किया, परमात्म तत्व ऐसा आत्म तत्व को जान लिया, और जानने के बाद विश्वास कर लिया कि मैं कौन, तो मैं आत्मा हूं, मेरा अस्तित्व संसार में कहीं भी नहीं है, मेरा अस्तित्व मेरे में ही है, ऐसा स्वीकार भाव आते ही क्या हुआ, जीवन की दिशा तो बदली ही और दशा भी बदलना प्रारंभ हो गया। एक चेक में चेक बुक साइन करते तो चेक में कितने शून्य लगाते जाओ, पर सामने अगर आपने एक भी लगाया है तो चेक का कोई महत्व नहीं है। ऐसी केस में ऐसा क्या कह रहे हैं हम सबसे, ये कह रहे हैं कि तुमने सारी आराधना कर भी ली जिस शासन में रह करके, पर स्वयं को जाना ही नहीं, स्वयं को माना ही नहीं कि तुम कौन हो, और इस आत्म तत्व की महिमा को पहचाना नहीं, तो जिस शासन में की हुई सारी आराधना ज्यादा से ज्यादा पुण्य दे दी थी, और पुण्य के कारण थोड़ी देर में मजा आएगा, पर वापस पाप की दुनिया में आना ही पड़ेगा, मतलब ये संसार से मुक्ति होगी, तो ऐसा संदेश कौन दे रहे हैं, वो नैसार दे रहे हैं। चीटी, चीटी को कहीं जाते हैं, अगर चीटी को यहां से जयपुर जाना है तो कितना आसान है, उसके लिए क्या आसान है, आप रात को ट्रेन पकड़ोगे सुबह जयपुर पहुंच जाओगे, पर आपको रात भर का 12 घंटे का सफर की तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा, पर उस चीटी को जयपुर जाना कितना आसान है, अगर वो आपकी जेब में आ जाए, आपके कंधे में कहीं बैठ जाए, या आपके कहीं भी कोई सामान में रह जाए, तो सीधा सीधा वो जयपुर पहुंचेगी। मतलब कथा के माध्यम से क्या कर रहा है, उस कथा के माध्यम से परमात्मा के जीवन चरित्र की उंगली पकड़ना है, और उंगली पकड़ के सिर्फ चलने का काम करना है, दिमाग नहीं लगाना है। श्रेणी महाराज अगले भव में क्या होने वाले, मुक्त होने वाले, पता है सब, परमात्मा मुक्त हो चुके हैं और उनके भक्त अगले भव में मुक्त होंगे, पर श्रेणी महाराज जो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, क्या उनका जीवन इतनी कठिनाई से निकलेगा जब दीक्षा लेंगे, अगला भव जो उनका दीक्षा जीवन में जो भगवान जैसी दीक्षा की पालन करेंगे, पर कहते हैं शास्त्र की श्रेणी महाराज की मुक्ति बहुत आसानी से होने वाली है, उनको एकदम सर नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वो काम पहले ही कर लिया, ऐसी दृढ़ श्रद्धा कर दी, ऐसे हाथ पकड़ लिया परमात्मा का कि अब ऐसे कर्मों का बंधन नहीं करेंगे कि वहां सर्वों को बाद में आना पड़ेगा, उस संसार में सर्वे प्रश्न तो प्राप्त किया, पर क्या किया, वापस छोड़ दिया मरीची के हो, वापस महात्मा मिथ्या की दशा हो गई, हम आपके जैसे बन गए और फिर वापस संसार बनाने का काम कर रहे हैं, पर उस श्रेणी महाराज ये गलती नहीं कर रहे, ऐसा परमात्मा के चरित्र को उन्होंने भी सुना होगा और उन्होंने काम उस समय कर दिया। गौतम स्वामी ने उसी भाव में काम कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि फॉलोअरशिप श्रद्धा की बस बस जीना ही है, भगवान जैसा होगा वैसा, ऐसा काम पहले ही कर दिया, तो ये ज्ञानी हमको बता रहे हैं परमात्मा के चरित्र से हो मेरा, पर जो गलतियां मैं कर रहा हूं उसको तुम मत करना, और ऐसे माध्यम से अपने चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। ग्रंथकार भगवान श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज, अब परमात्मा महावीर की आत्मा
आगे की यात्रा कैसे कर रही है उसका विश्लेषण यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। परमात्मा का हमने कल वृत्तांत सुना था, एहसान के भाव से देवलोक और देवलोक के भाव से मरीची का भाव, और मरीची के भाव में परमात्मा की आत्मा ने एक गलती कर दी। पतन का मार्ग प्रारंभ हुआ कि परमात्मा ने एक कोटा को भी साधु का एक कोटा को भी मतलब क्या होता है, एक करोड़ उसने एक करोड़ का और पंडित निरीक्षण गुणा और उसने सागरूपम, ये सागरूपम बहुत बड़ी यूनिट है, कभी किसी को समझना हो तो अलग से मिलेगा। तो ऐसा लंबा काल संसार का परमात्मा ने जो भाव में बढ़ा दिया, और वो तो किया ही किया, वो बड़ी गलती नहीं थी, वो तो हम भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं। पर परमात्मा ने क्या किया, जो आत्मतत्व ऐसा रत्न पाया था वो मरीची के होकर उसने वापस वहन कर लिया, मतलब उनके जीव में क्या हुआ, विद्या की दशा में आ गए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पतन का मार्ग चालू हुआ। परमात्मा की आत्मा कहाँ जा रही है, तो दीक्षा तो रखी थी, ताप से दीक्षा में थे मरीची का भाव में, तो 40 दिन का प्रभाव था, तो देव लोग और तापस का भाव ऐसे मिलते हुए 16 भाव निकल गए, पर दीक्षाशन नहीं मिला परमात्मा की आत्मा को। अब 17वें भाव में कहाँ जा रहे हैं परमात्मा, तो कहते हैं कि अब थोड़ा वापस कर्म फरमाते फरमाते आत्मा क्या होगी, थोड़ा वापस अच्छी बन गई, मतलब हमारे शब्दों में वापस थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, पर देव कवि तो तापस का भाव जो चल रहा था उसने विशेष कुछ काम किया है उनकी आत्मा ने। अब कहां आ रही आत्मा, तो इसी जम्मू क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, इसी जम्मू द्वीप में, भरत क्षेत्र में राजगृह नाम की नदी है, जहाँ पे परमात्मा की आत्मा का 17वां भाव प्रारंभ हुआ है। वो 17वां भाव किसका था कोई बताएगा, परमात्मा की आत्मा चित्रा नंदी राजा जो राजगृह नगरी के राजा हैं, उनके छोटे भाई जिनका नाम क्या था विशाखाभूति, और ऐसे विशाखाभूति के पुत्र जो विश्वभूति है, ये विश्वभूति कौन है, और मरीची की आत्मा का जो 17वां भाव होता है, मतलब परमात्मा स्वयं पूर्व में 17वें भाव में कहा विश्वभूति के भाव में जा रहे हैं, ये राजा जो थे छोटे भाई के पुत्र बनते हैं, और जो राजा के पुत्र थे उनका नाम क्या रहते हैं विशाखा नंदी। तो दो नाम आपको याद रखने की जब पता चलेगी, एक है विशाखा नंदी जो राजा के पुत्र है, और दूसरे विश्वभूति जो राजा के छोटे भाई के पुत्र है, और ये विश्वभूति कौन है, यही परमात्मा का जीव है जो अब 17वें भाव में प्रवेश किए हैं। अब ये मनुष्य जीवन की बात होगी, मतलब इस भरत क्षेत्र की बात है, यौवन काल दोनों ही साथ में बड़े बड़े बल है, बचपन का जीवन जिया, बड़े हुए युवानी की अवस्थाएं, और उसके बाद दोनों ही भाइयों का जो चचेरे भाई है विशाखानंदी और विश्वभूति, दोनों का विवाह होता है, विवाह होता है उसके बाद दोनों की अनेकों अनेक रानियां मिलती है, क्योंकि पुराने जमाने में बहुत सारी शादियां होती थी, तो शादियों में बहुत सारे उनको उनकी रानियां बनती है, और उसके बाद रानियों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था भी चला रहे, पर अभी राजकुमार के रूप में है, राजा का अधिकार दोनों ही पुत्र को नहीं मिला है, और दोनों ही अपनी लड़काओं के साथ क्या कर रहे हैं, अपने संसारिक सुख का भोग कर रहे हैं, और सारी व्यवस्था संसार की उनकी समझते हुए आगे जीना चल रहा है। अब एक समय आता है दोनों जो पुत्र रहते हैं, जो दोनों भाई रहते हैं, उनको राजा के द्वारा कई राजवाटिका मिलती है। राजवाटिका किसे कहते हैं, एक प्रकार से आजकल क्लब होते हैं ना, क्लब हाउस, जहां पे एंटरटेनमेंट करते हैं सब जाकर के, आपके पार्टनर में है कि नहीं मालूम नहीं, पर ऐसे होते हैं, तो वहां पर ऐसी व्यवस्था थी राजवाटिका, जहां पर ये राजकुमार क्रीड़ा करते थे, आमोद प्रमोद का व्यवहार होता था। वो राजकुमार कैसी होती थी, जो मतलब एक वन की तरह होती थी, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य होता है, जहां पर फल फूल पौधे वृक्ष होते हैं, सरोवर होता है, और बहुत अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी भी रहते हैं। ऐसी सुंदर राजवाटिका दोनों ही पुत्रों को राजा के द्वारा प्रदत्त होती है, और उसमें वो अपना जीवन आमोद प्रमोद के साथ बिता रहे। पर एक समय एक घटना घटती है कि विशाखानंदी जो राजपुत्र रहते हैं, जो विश्वभूति के भाई हैं, वे एक बार सैर के लिए निकलते हैं, और रास्ते में एक राजवाटिका देखते हैं, बहुत सारी राजवाटिका अलग अलग रास्ते में मिलती, तो एक राजवाटिका को वो देखते हैं, और अपने साथी से पूछते हैं कि ये राजवाटिका किसकी है, तो साथी जवाब देते हैं आपको नहीं पता, अरे ये आपके ही भाई विश्वभूति की राजवाटिका है। और जैसे ही ऐसा सुनते हैं अंदर में विचार तंत्र चालू होता है, विचारों का एक पारावार आता है, विचार बहुत सारे चालू होते हैं कि इतनी सुंदर वाटिका और मेरे भाई को, मैं राजा का पुत्र हूं, मुझे इस वाटिका मिली और मेरे भाई को इतनी सुंदर वाटिका, जाकर के देखते हैं कि वाटिका कैसी है, तो देखते हैं कि अंदर बहुत सुंदर सरोवर है और बहुत बड़ी है ये वाटिका, और आनंद पाने के अवसर वहां पर एक सेठ वहां पर क्या है,
निमित्त है जहाँ से वो आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी राजपाटिका मेरे भाई के पास कैसे, और वहां पर ईर्ष्या का भाव उनके हृदय में जन्म लेता है। ईर्ष्या का भाव किसे कहते हैं? जेलस। कैसी जेलस होती है? हमको होती क्या जेलस? होती है उसने 5 समाई की, मैंने तो 3 समाई की, ये ईर्ष्या होती किसे? संसार में। अरे ईर्ष्या यानी संसार है, कभी ईर्ष्या नहीं होती। देखो उसने 8 उपवास किए, मैंने 2 उपवास करके छोड़ दिया, परेशान कर दिया। मैं जितना दुखी अपने दुख से नहीं होना, दूसरों के सुख से मैं इतना दुखी हूं। ये क्या है? ईर्ष्या। ये ज्यादा व्यक्ति को दुखी कर रहा है, ये व्यक्ति का बीपी बढ़ा है, डिप्रेशन बढ़ा है। अरे जो है उसको संभालना। हाँ, महाराज साहब कह रहे हैं हमारे से ईर्ष्या नहीं होती कि हम इतने खुश हैं। अरे उनको लगता ही नहीं कि हम खुश हैं, कभी कभी होती है। तो ये ईर्ष्या का भाव क्या होता है कि व्यक्ति को स्वयं जलना पड़ता है, सामने वाला जलेगा कि नहीं जलेगा मालूम नहीं, पर हम अपने गुण को तो जलाते हैं और मन को भी जलाते हैं। अरे मेरे पास नहीं तो कोई मतलब नहीं, पर उसके पास ही कैसे है ये चीज? मुझे तो शादी में सिर्फ 500 सोना दिया गया था, पर मेरी देनानी को 1 किलो सोना कैसे मिल गया? अब बहू सासु समझा चुकी है, उस समय परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए तुमको 5 रुपए दिया गया। अपने आप को देखते तो ये क्या होगी? पिक्चर हमारे काम की नहीं, आपने टिकट भी खरीदी पर वेस्ट हो जाएगी होगी। तो इस पिक्चर को अपने से क्रिएट करें। कहां कहां सुबह से ईर्ष्या की देखते जाओ कि क्या कर ईर्ष्या सुबह से? आज तो नहीं, ठीक है अब आगे सुनो, कल मिलेंगे। अब दूसरों की बढ़ती हुई को देख नहीं पाना, दूसरों का पुण्य के होने को झेल नहीं पाना, दूसरे को गुण को देख नहीं पाना, दूसरे के सम्मान को बचा नहीं पाना, ये सारा का सारा ईर्ष्या का भाव है। और वो विशाखानंदी अब इस ईर्ष्या के भाव को लेकर के कहां जा रहे हैं? तो अपने माता के पास जाते हैं। पहले पुत्र कहां जाता है? माता के पास अपनी अर्जी लेकर जाते हैं। और माता उससे दो को देखती कि मेरा पुत्र दुखी क्यों है, तो अपना हृदय उनके सामने खोलते हैं कि माता आप लोगों ने मेरे साथ ना इंसाफ भी की, इतनी सुंदर राजवाटिका है हमारे नगर पे, पर वो राजवाटिका मुझे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं वास्तविक हकदार हूँ, मैं राजा का पुत्र हूँ, और मेरे छोटे भाई विश्वमूर्ति को राजवाटिका कैसे मिली? और ऐसा कह करके माता को बार बार क्या करें, परेशान कर रहे हैं, हट कर रहे हैं कि मुझे राजवाटिका दिलाओ। और माता पुत्र के मोहवश अपने पति के पास जाती है, मतलब उस राजा के पास जाती है, चित्रानंदी राजा के पास, की कहती है अरे अपने पास इतनी सारी राजवाटिका है, 2-4 वाटिका आप क्या करो, विश्वमूर्ति को एक्स्ट्रा दे दो, पर ये राजवाटिका इसको चाहिए तो आप प्रयास करो। पिता को ऐसा हो नहीं सकता, मैं राजा हूं, मैं किसी का अधिकार नहीं छीन सकता, वो शुरू से राजवाटिका उसको मिली है, तो ऐसे कैसे अपने भाई के पुत्र से ये राजवाटिका ले लो? पर बार बार पुत्र का आग्रह, बार बार की लड़ाई और बार बार का द्वेष प्रकट होता है पुत्र का, तो पिता को भी हर हार के मानना पड़ता है और बोलते कि चल ठीक है, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगा और वो राजवाटिका तुझे दिलाऊंगा, पर अभी तू कुछ समय के लिए धैर्य रख। अब वो चित्रानंदी राजा क्या कर रहे हैं? अब तरकीब लगाने की सोचते कि वो राजवाटिका लेना भी है और संबंध विश्वमूर्ति के परिवार से बिगाड़ना भी नहीं है, ऐसा दोनों काम साथ में करना है। करते कैसा दोनों काम साथ में कि अपना काम भी निकल गया और संबंध भी खराब ना हो। मेहमान को बार बार बोलेंगे कि अपना ही घर समझिए, अपना ही घर समझिए, मेहमान सोचिए इतने बार बोले तो जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या चले जाओ, ऐसे काम भी हो गया और अपना अपना भी काम हो गया। तो ऐसा काम अब वहां पे वो तरकीब लगा रहे हैं। 2 रास्ते हैं उस राजवाटिका को पाने के लिए, या तो भाई के साथ लड़ाई करे, विद्रोह करे, एक राजवाटिका के लिए उससे तो राजा की ख्याति समाप्त होने वाली है, पर दूसरा रास्ता क्या है? मायाचारी का, जो सबसे आसान रास्ता है, जिसमें क्या होता है, काम भी हो जाता है और सजा भी नहीं मिलती। ऐसी मायाचारी का रास्ता अपनाने जा रहे हैं। चित्रानंदी राजा एक तरकीब सोचते हैं, वो तरकीब क्या रहती है, एक प्रयाण फेरी बजवाते हैं, डंका बजवाते हैं, राज्य में एक घोषणा करवाते हैं कि मैं पड़ोसी राजा, कौन है वो राजा, सिंह नाम के राजा है,
उस सीकर नाम के राजा को क्या करने जा रहा हूँ, मैं मारने के लिए उससे युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, और उस युद्ध करने के लिए मैं ऐलान करता हूँ और एक सैनिकों की टीम तैयार की जाए और रथ प्रयाण किया जाए, ऐसा घोषणा कराते हैं। घोषणा क्यों कराते हैं उसका आपको रीजन बाद में पता चल ही जाएगा। और जब विश्वभूति को पता चलता है कि ऐसी राजा ने घोषणा कराई है युद्ध होने वाला है, तो विश्वभूति की आत्मा तो थी तो परमात्मा बनने वाली आत्मा, उस आत्मा में संस्कार मौजूद थे, अभी विज्ञात अवस्था में जीते हैं, संसार का रंग लगा हुआ है पर फिर भी कुछ गुण जागृत है, ऐसा तीर्थंकर बनने वाली आत्मा वहां पे अपना एक गुण का प्रदर्शन करने वाली है। कौन से गुण का प्रदर्शन करने वाली है? दो गुण का प्रदर्शन करने वाली है, एक तो आज्ञा परायणता, मतलब आज्ञा को मानने का गुण, जो नैसार के भाव में उन्होंने राजा के आज्ञा में जीने का काम किया, फिर सद्गुरु ने कुछ आज्ञा दी, सद्गुरु ने जो उपदेश किया उसको भी माना, और ऐसी कैसे राजा के सामने अपना आज्ञा मानने वाले, पर उससे पहले मुख्य गुण कर्तव्य परायणता, कि मेरा कर्तव्य क्या है, कि राजा को भी क्यों नहीं छू, अरे अभी तो मैं जीता हूं ना, मेरा शौर्य कहां गया, तो मैं युद्ध स्वयं लड़ूंगा, मैं अपने राजा को भेजूंगा नहीं, जब मैं युद्ध लड़कर मर जाओ तब राजा को युद्ध जाना पड़कर चले जाएंगे, तो मेरे सामने के राजा युद्ध करने जाएंगे नहीं। अब सोचो यहां पर वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, पर ज्ञानी क्या बता रहे हैं, वो भद्रभाव स्वामी जी बोल रहे हैं कि अभी भी खुद धर्म आराधना कर रहे हैं, कैसे धर्म आराधना कर रहे हैं, विधान वर्ष है, वास्तविक धर्म आराधना तो नहीं हो रही है, पर एक औचित्य का कारण कि मैं अभी किस पोस्ट में हूं, किस भूमिका में हूं, उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, ये औचित्य का उनको ध्यान है कि अभी मैं योद्धा हूं, राजकुमार हूं, एक राजपुत्र हूं, तो मेरा कर्तव्य के लिए मैं पहले क्या करूं, राजा के लिए युद्ध लड़ने जाऊं, राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करूं। अभी वो मानव जाप आराधना कुछ नहीं कर रहे, उस परमात्मा बनने वाले आत्मा को तो देव उदर से रास्ता ही नहीं है, अभी मिथ्यात आ चुका है, पर फिर भी ये आत्मा कैसी है, आज कर्तव्य यहां निभा रही है, पर जब आत्मा जागृत होगी कुछ समय बाद उपचार पड़ेगा, तो यही आत्मा अपनी आत्मा के प्रति कर्तव्य निभाएगी। कैसी कर्तव्य परायणता दिख रही है उस विश्वभूति के जीवन में, और वो विश्वभूति जाते हैं महाराज के पास और महाराज को बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे रहते आप नहीं जाओगे, क्या आपको मेरे शौर्य पर शंका है, क्या क्या आपका ये पुत्र इस लायक नहीं है कि किसी राजा को भरा करा सके, तो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम जाना चाहते हो तुम जाओ, और राजा जो चाह रहे थे वो काम यहाँ पर आसानी से हो गया, राजा तो उसको अपनी नगरी से भेजना ही चाहते थे ताकि उस राजवाटिका को मैं ले सकूं, और क्या किया उस विश्वभूति ने युद्ध के लिए तैयारियों के रथ का प्रयाण हुआ, और वो युद्ध जीत करके आते हैं, और इधर क्या होता है, इधर वो राजा चित्रानंदी राजा उस राजवाटिका में जो उनकी राजा रहती थी विश्वभूति की, उस सारे राजा को खाली करवा देते हैं, राजवाटिका को कहीं और भेज देते हैं, और वो राजवाटिका किसको दे देते हैं, अपने पुत्र विशाखा नंदी के पास राजवाटिका सौंप देते हैं। ये घटना मायाचारी का परिणाम की मायाचारी करके वो राजा ने उस राजवाटिका को अपने पुत्र को दी, और इधर जब युद्ध करके आते हैं तो बड़े खुश होकर के आते हैं कि देखो मैंने राजा को वचन दिया था कि मैं सिंह राजा को आपके समक्ष ला करूंगा, और ला करके रखते हैं, और जब वो वापस अपने आमोद प्रमोद के क्षणों में जाने के लिए उस राजवाटिका की तरफ जाते हैं, तो जाते हैं तो क्या होते हैं, तो उन्हें राज जो सैनिक रहते हैं वो उनका रास्ता रोक देते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है उन्हें कि मेरा रास्ता रोका तो रोका कैसे, तो कहते हैं सैनिक कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ऐसे कैसे इजाजत नहीं, मेरा अपराध क्या है, ये राजवाटिका मेरे लिए तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ, बोलते हैं आपकी गलत फहमी है, अब इस राजवाटिका में अंदर विशाखानंदी आमोद प्रमोद कर रहे हैं, आप अंदर जा नहीं सकते क्योंकि विशाखानंदी की आज्ञा है नहीं अंदर जाने की, और जैसे ही ये कथन सुनते सैनिक के द्वारा तब सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है, हमको ये समझ आ जाता है कि क्यों वो प्रयाण फिर बजाएंगे, कि क्यों डंका बजाया गया था, क्यों युद्ध किया गया था, और क्यों मुझे यहां से रवाना किया गया था, वो राजा का षड्यंत्र सब समझ आ जाता है, और उस समय विश्वभूति को क्रोध भी आता है कि मुझे विश्वासघात किया गया मेरे द्वारा मेरे साथ, पर साथ में क्या होता है, एक अंदर में एक फीलिंग चलती है, एक अनुभव होता है कि देखो मैंने राग किया ना, मैंने राजा का राग किया, और राजा के राग के कारण क्या किया, मैंने अपने प्राणों को न्यौछावर करने तक के लिए तैयार हो गया, और उस न्यौछावर करने के तैयार हुआ, आज मेरी ही वाटिका मेरे द्वारा छीनी जा रही है, और मेरे ही परिवार वालों के द्वारा मुझसे छीनी जा रही है, तो ये राग की दुनिया मुझे दुख देगी, तो क्या करूं, इस राग की दुनिया को छोड़ दूं,
मतलब मैं परिवार को छोड़ दूं, संपत्ति को छोड़ दूं, पैसे को छोड़ दूं, पत्नी को छोड़ दूं, और ऐसा निर्णय करते और बोलते कि अब मुझे किसी रंगशाला में नहीं जाना, मुझे किसी रंगमंच में नहीं जाना, मुझे जाना तो कहां जाना, मुझे संयम के पद पर जाना, ऐसा निर्णय होता है। अब यहां पर फिर एक बात परमात्मा अपने जीवन से बता रहे हैं, गुरु के जीवन से, मिथ्यात्व की अवस्था चल के जीव कैसी गति करता है, समझ की माता की साधना कैसे करनी है। राग को तो बुरा मान रहा है वो जीव विश्वभूति, पर एक गलती फिर कर रहा है। राग को बुरा मानना बहुत अच्छी बात है, वो काम तो शायद अपन आपने नहीं किया अभी तक, पर राग को बुरा मानकर कि राग को छोड़ दे रहा है, राग को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, राग को परिवर्तित कर रहा है। कहां परिवर्तित कर रहा है वो विश्वभूति, कहां परिवर्तित कर रहे हैं उस राग को, द्वेष में परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब राग बुरा ही तो मान रहे पर उस द्वेष को भी छोड़ पा रहे हैं, और ये साधना में फिर कमी देगी और परमात्मा अपनी आत्मा की प्रगति नहीं कर पा रहे आगे, क्योंकि राग को तो बुरा माना पर उसको द्वेष में परिवर्तित कर लिया। द्वेष रूपी शल्य को काटा, वो बीज आत्मा में अभी भी है, और जाकर इस बीज के साथ अब रवाना होते संयम की यात्रा में और दीक्षा दे करके आत्म कल्याण करना चाहते हैं, पर वास्तव में आत्म कल्याण इस भाव में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो तो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि राग तो बुरा माना पर द्वेष चल रहा है, मतलब आत्मा क्या होगी, वीत राग दशा को प्रकट नहीं कर पाएगी, ये भूल चल रही है, क्योंकि मिथ्यात्व में समझ नहीं आ रहा है कि द्वेष भी बुरा है। जैसे हमको समझ नहीं आता ऐसी विश्वभूति की आत्मा को मार्ग नहीं मिल रहा है। सोचो एक बार नैसार के भाव में मार्ग मिला था, मनीषी के भाव में छोड़ा, अब इर्द गिर्द आ रहे हैं, उस जीव शास्त्र के इर्द गिर्द तो आ रहे हैं, आस पास तो घूम रहे हैं, पर फिर भी क्लियर कट मार्ग नहीं मिल रहा है, मतलब सही मार्ग नहीं मिल रहा है। ऐसी गलती हम सबने कई बार की है, और परमात्मा फिर बता रहे हैं कि मैंने ऐसी गलती फिर की। अब विश्वभूति दीक्षा लेकर के बहुत कठोर संयम जीवन जीते हैं, तप करते हैं, चोबिया चोबिया उपवास कर रहे हैं, मासक श्रवण के बारे मासक श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण काय हो चुके हैं, मानुष्य हड्डियां हड्डियां बची है, और ऊपर से सिर्फ एक परत बची, किसकी किसकी परत बची है, हाँ चमड़े की परत बची, और ऐसे विश्रम करते हुए क्या करें, एक बार उनका कहां आगमन होता है, मथुरा नगरी में आगमन हो रहा है। मथुरा नगरी कौन सी नगरी है, वो नगरी है जहां पर विशाखा नंदी का ससुराल है, और ऐसा एक सहयोग बनता है कि इधर विश्वभूति मुनि विश्रम करते हुए मथुरा नगरी पहुंच रहे हैं, और उस महल के सामने से निकल रहे हैं जिस महल में विशाखा नंदी का ससुराल है, और विशाखा नंदी अपने गवाक्ष में मतलब गैलरी में खड़े ऊपर, इधर मुनि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसी कृष्णकाय हो चुकी है कि किसी को भी देखे तो या तो अहोभाव आ जाएगा, और अहोभाव नहीं है तो दया का पात्र तो जरूर बनेंगे। पर इधर विशाखा नदी देखते हैं, और देखते देखते घटना घटती है, क्या घटती है कि बैल पीछे से आ रहा है, और बैल क्या कर रहा है, उनको पीछे से मारता है, और वो बेचारे पतले दुबले मुनिराज बेचारे तो नहीं होना चाहिए चाहूंगा, पर संसार की दृष्टि से मानो बेचारे हो, ऐसे मुनिराज क्या कर रहे हैं, गिर जाते हैं तुरंत, और जैसे ही गिरते हैं विशाखा नंदी क्या करते, उधर से अट्टहास करते, जोर से हंसते, और बोलते कहां गया तुम्हारा शौर्य, पहचान जाते कि विश्वभूति मेरा भाई है, और अब ऐसा मुनि जीवन जी रहे हैं। और जैसे ही ऐसा बोलते हैं कि कहां गया तुम्हारा शौर्य, अब वो विश्वभूति मुनि विशाखा नंदी के द्वारा जब ये शब्द सुनते हैं तो विश्वभूति मुनि को क्या आता है, पुराना विचार उठा जाता है, इतने समय हो गया घर गृहस्थी को छोड़े, पर वो द्वेष का काटा साथ में लेकर की दीक्षा लेती ना, तो क्या हुआ, सारा द्वेष उफन गया, और क्या सोचते हैं कि देखो ये वही व्यक्ति है जिसके कारण मैंने संयम जीवन अंगीकार किया, जिसके कारण मैंने सारी ललकार को छोड़ा, मैंने सारी सुविधाएं छोड़ी, और आज मैं संयम जीवन में हूं, और उसको उस समय बताने के लिए कहां गया तुम्हारा शौर्य, ऐसा जो शब्द उसने बोला मानो उसको ललकारा, तो वो भूमि की मर्यादा है कि वो वापस उसके घर में जाकर उसको जवाब नहीं दे सकते, तो उस समय अपने शौर्य का परिचय देने के लिए क्या करते हैं, उस बैल का सिंह उठाते हैं, उसको सिंह से पकड़ के घुमाते हैं, और घुमा करके वापस उछालते हैं, उछाल करके उसको वापस अपने हाथों में लेकर के नीचे रखते हैं, और उसको बताते हैं कि देखो आज भले मैं बहुत तप त्यागी कर रहा हूं, मेरा शरीर भले ही विष है, पर मेरी आत्मा में अभी भी वो बल है, वो बल आया कहां से, कोई बताएगा, अरे क्रोध का बल आता है, कि क्रोध में व्यक्ति कितना ही कमजोर हो पर ये क्रोध जब जागता है ना तो सारी इंद्रियां जागृत हो जाती है, मानो ऐसा बल लेकर के विश्वभूति वहां पर क्या कर रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, और उस समय फिर आत्मा क्या करी, परमात्मा की आत्मा विद्यार्थ भी है अभी, और विद्यार्थ अवस्था में फिर एक गलत निर्णय कर रही है साधना के बारे में, क्या कर रही है, अब उस विश्वभूति मुनि का जो क्रोध था वो इतने लेवल पर था कि अब उन्होंने निर्णय किया कि इस जन्म में तो मैं लोगों को बात करूंगा नहीं, क्योंकि ये राजा का पुत्र है,
और मैं मुनि हूँ, मैं इसको मानूंगा कि जो लोग में निंदा हो गई मेरे धर्म की, पर अगर मेरे को साधना का फल मिले तो मुझे ऐसा फल मिले कि आने वाले समय में मैं क्या करूं, इस विशाखा नदी को मारने वाला बनूं। ऐसा दियाना, ऐसा अपने पुण्य का सौदा करते हैं, मानो पुण्य को बेच रहे हैं। किसके लिए बेच रहे हैं? चने मोटे खरीदने के लिए बेच रहे हैं, ऐसा एक सौदा करते हैं। बहुमूल्य वस्तु की जगह एक अल्प मूल्य वस्तु को मांगते हैं, और ऐसा एक दियाना, एक सौदा परमात्मा की आत्मा उस समय करती है। हम करते हैं ऐसा सौदा, कर रहे हैं क्या सौदा? ऐसा करते ही निर्जात्म अवस्था में हर समय सौदा कर रहे हैं, तब कर रहे हैं अपन। और चाह रहे मेरा भगवान हो, अरे जिस सब से अनादि पर मिल सकता है, कुछ क्षण में तो मिल ही सकता है, पर उस सब से चाह रहे कि आखिरी दिन मेरा भगवान हो। क्या क्या आपने तब को भगवान में, बस भगवान मिल जाए अपने गौर है, सवाई कर रही हूं मैं, प्रभावना मिल जाए, अरे मेरे ज्ञान आ जाए क्या है, तो मेरे ज्ञान को कोई जान दे, ये सब क्या किया आपने, सारी आराधना का क्या किया, बहुत छोटे में छोटा सौदा कर लिया। और ऐसे ही सौदा को विश्व बुद्धि करते हैं, और विश्व बुद्धि का उस समय समय संयम जीवन में प्रसार होते रहते हैं, और प्रसार होते रहते हैं, मृत्यु होती है, देवलोक होता है, और उसके बाद वो कहां जाते हैं, तो कहते हैं कि उसके बाद का 18वां भाव उनका देवलोक में होता है। देवलोक में क्यों हुआ जन्म? क्योंकि सत्य दर्शन नहीं है साथ में, बात सही है, पर चारित्र जो वाला था उसका पुण्य के प्रभाव से परमात्मा की आत्मा 18वें भाव में जा रही है, देवलोक में जा रही है। अब 18वां भाव देवलोक से, उसके बाद क्या 19वां भाव देवलोक में का भाव यहां बताया नहीं जाता किसी भी कथा में, क्योंकि देवलोक में कुछ विशेष काम होता नहीं, विद्यार्थ अवस्था में सिर्फ पुण्य का भोग ही करते रहती आत्मा, और पुण्य का भोग करते करते जीवन यापन करती है। और उसके बाद 19वां भाव परमात्मा का कहां आ रहा है, तो कहते इसी भरत क्षेत्र में परमात्मा पोतनपुर नगरी जहां पर प्रजापति राजा है, उसके यहाँ परमात्मा का जन्म होने वाला है, परमात्मा की आत्मा का। और ये भव बहुत ही कीमती है परमात्मा की आत्मा के लिए, क्योंकि इसी भव ने क्या किया, परमात्मा की जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज लाया। और क्या चेंज हम आगे देखेंगे, कहते इसी भरत क्षेत्र में पोतनपुर नगर है, वहां की प्रजापति राजा है, और प्रजापति राजा सुख पूर्वक राज्य कर रहे हैं, राज्य का अधिकार बहुत वर्चस्व फैला हुआ है, और ऐसे राजा एक समय आते अपनी पुत्री में ही आसक्त हो जाते हैं, मतलब पुत्री को ही पुत्री से ही प्रेम संबंध हो जाता है, और एक बार सभा में पूछते कि इस पुत्री से मुझे विवाह करना है, करूं तो करूं कैसे, तो अपनी सभा में राजसभा में पूछते कि अगर हमारे नगर में कोई कीमती चीज हो तो सबसे पहला अधिकार किसका होगा, तो सभा जन बोलते उसके सबसे पहले अधिकार किसका होगा, राजा का ही होगा। तो ऐसा तो बोली पुत्री मुझे सबसे प्रिय है, और मुझे सबसे कीमती है, और मैं इसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, तो ये पुत्री का वरण नहीं करूंगा, और स्वयं की पुत्री से वो विवाह करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसी पुत्री के माध्यम से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, माता वो पुत्री जो माता बनी है वो सात स्वप्न देखती है, और कहते हैं जब स्वप्न पाठक को बुलाया जाता है, और सात स्वप्नों का जब फल पूछा जाता है, तो बताया जाता है कि तुम्हारा पुत्र रत्न होगा, पुत्र रत्न कैसा होगा, तो वो वासुदेव होगा, जैसे श्री कृष्ण वासुदेव के लिए ऐसे वासुदेव होगा। समय आने पर पुत्र का जन्म होता है, और उसका नाम रखा जाता है त्रिपिष्ट कुमार। त्रिपिष्ट कुमार क्यों रखा जाता है, क्योंकि छाती में पीठ में विचार होता, पीठ में कोई निशान था, उस संकेत को जानकर के त्रिपिष्ट नाम रखा जाता है। और यहाँ पर आदिनाथ परमात्मा के द्वारा जो घोषणा की गई थी, उसमें पहली घोषणा सफल हो रही है कि तुम्हारा पुत्र मरीचि आने वाले समय में वासुदेव बनेगा, मानो उस वासुदेव का जन्म हो चुका है, अभी वासुदेव बने नहीं है, वासुदेव कैसे बनते हैं उसको आगे हम जानेंगे। अब त्रिपिष्ट कैसे थे, तो कहते वासुदेव चक्रवर्ती से नीचे पद है, पर चक्रवर्ती के बाद किसी का वर्चस्व होता है धरा में, संसार में तो वासुदेव का होता है, तो शौर्यवान है, अजय है, कोई को पराजित कर नहीं पाता, ऐसे भय से रहित है, पूरी दुनिया से कांपती है, ऐसा उनका शौर्य होता है, और मानो नेतृत्व कला में सबसे आगे रहते हैं, ऐसे वासुदेव का जीवन अब युवानी की तरफ बढ़ रहा है, जवानी आ रही है, और जवानी के बाद मानो एक योद्धा की तरह तैयार है। और इधर प्रजापति राजा के एक मित्र देश में राजा है जिनका नाम है अश्वग्रीव, वो अश्वग्रीव राजा भी क्या है, प्रति वासुदेव है, प्रति वासुदेव का समय रहता है जो वासुदेव से भी नीचे है, मतलब वासुदेव से भी नीचे है, पर ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रति वासुदेव को हरा करके जो वासुदेव बनने वाली आत्मा रहती है वो क्या करती है, वासुदेव का पद हासिल करती है। तो ऐसे प्रति वासुदेव अश्विनी राजा है जो बहुत ही अत्याचारी है, क्रूर है, कोई भी प्रजा उससे सुखी नहीं है, और ऐसे अश्विनी राजा के
एक बार राज दरबार में क्या होता है, एक निमित्तज्ञ आता है, जो निमित्तज्ञ उनको बताते हैं कि आपकी नगर बहुत विशाल है और ये नगर में की जो जमीन है बहुत उपजाऊ है, पर एक एक जो उपजाऊ भूमि है जिसका नाम है शाली क्षेत्र, ऐसा शाली क्षेत्र है जहां पर धन धान्य उग नहीं रहे। तो राजा पूछते क्यों नहीं उग रहे, बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। तो कहते हैं वहां पर एक गुफा है जहां पर शेर रहते हैं और वो शेर कैसे है बहुत खतरनाक है, जो भी आज तक वहां पर जाते हैं खेती करने के लिए वो टिक नहीं पाता और वो शेर से परास्त होकर उसको वापस लौटना ही पड़ता है। पर वो निमित्तज्ञ के राजा को बोलते हैं कि ये शेर की बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि वहां पे धन धान्य नहीं उग रहे, पर मैं शेर की बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने निमित्तज्ञ शास्त्र पढ़ा है और मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि जो इस शेर को मारेगा वही आगे चलकर के आपको मारने वाला बनेगा, ऐसा मेरा निमित्तज्ञ शास्त्र, ये निमित्त शास्त्र ऐसा कह रहा है। तो राजा को बहुत एक अंदर से भय पैदा होता है कि मेरी मृत्यु कौन करेगा जो इस शेर को मारने वाला बनेगा, ऐसी उत्सुकता फैलती है कौन होगा वो जो मेरा काल दंड करके आएगा। अब राजा क्या करते हैं, अपने मृत्यु को रोकने के लिए प्रयास चालू करते हैं, जितने भी उनके अधीन राजा थे एक एक करके उनके ड्यूटी लगाते हैं, इसमें लगाते हैं कि शेर को परास्त करो और हर राजा को वहां भेजते जाते हैं, या तो जो राजा जाता है वो हार करके आ जाता है या तो पराजित होता है या तो काल का ग्रास मिल जाता है, शेर उसको खा लेता है। और ऐसे करके एक समय आता है किसका, प्रजापति राजा के ऊपर बात का नंबर आता है कि उसको भेजा जाता है। एक्चुअली अश्विनी ग्रीक राजा से नीचे थे प्रजापति, क्यों, क्योंकि प्रतिमा से देवी पोस्ट में थे, तो प्रजापति राजा जो ब्रिटिश कुमार के पिता है उनको बोला जाता है कि अब आप उस शेर को हराने के लिए जाओ। अब त्रिपिश कुमार पिता को बोलते हैं कि मेरे हृदय आपको जाने की जरूरत नहीं है, सोचो वापस अपने कर्तव्य परायण का अपने दिखा रहे परमात्मा महावीर की आत्मा ते जे कम्बे सुना ते कम्बे सुना, जो आज कर्म में शूरवीर है वो आगे जाकर के धर्म में शूरवीर बनेगा, ऐसी घोषणा माधव परमात्मा का जीव कर रहे हैं कि आज मैं कर्म में शूरवीर का दिखा कर रहूंगा। और वो आज्ञा देते रथ तैयार किए जाते और कवच पहने धनुष बाण रखे सारे शस्त्र अस्त्र से सुशोभित होकर के अपने साथी के साथ निकल पड़ते उस शाली क्षेत्र की तरफ जहां पे वो शेर रहता है और निकट आ जाते गुफा में और गुफा की तरफ जाकर के रथ रुकता है। मानो आज क्या करने वाले त्रिपिश कुमार, आज उस शेर को शायद उस शेर का क्या करेंगे, खेत तमाम करेंगे और आगे जाकर के यही आत्मा क्या करने वाली है, बहुरूपी शेर का विनाश करने वाली है। ऐसी वो आत्मा आज महावीर का एक रूप दिखा रही है कि संसार में विविधता दिखा रही है और आने वाले समय में यही त्रिपिश कुमार अपनी आत्मा में विविधता दिखाएंगे, ऐसा प्रदर्शन होगा। अब वो क्या कर रहे हैं, उस रथ से नीचे उतर रहे हैं और इधर शेर को पता चलता है आवाज से कि कोई आया है बाहर, वो गुफा से बाहर आता है, उस शेर को लग रहा है कि मैं ही शेर हूं, वो समझ नहीं पा रहे कि सामने भी कौन आया है, सवा शेर आया है। आप अपने आप मानते हो सवा शेर, सब मानते ऐसी कि ऐसे उस शेर को नहीं लग रहे, उसको लग रहा है मैं ही शेर हूं, बस दो शेर का सामना हो रहा है। पर कैसा सामना होता है पता है किसको, जब त्रिपिश कुमार उस शेर को देखते हैं तो शौर्य ऐसा जागृत होता है, वीरता वीर का रस कहते हैं अंदर में, वो क्या कहते हैं, अरे अरे देखो ये शेर कैसा है, ये जमीन पर है मैं रथ पर बैठा हूं, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो मेरी वीरता पर लांछन है, जैसे मान लो किसी ने मुझे चूड़ी पहना दी है, वो क्या करते हैं रथ से उतरते हैं कि मैं भी जाऊंगा तो जमीन पर पैर रखते हुए, अरे ये शेर तो कवच नहीं धारण किया हुआ है तो मैं कैसे कवच धारण करूं, सारथी बोलते मेरे कवच उतार दो, अरे ये शेर के पास तो कोई शस्त्र नहीं है तो मैं कैसे धनुष रख सकता हूं, तो क्या करते धनुष को भी निकाल दिया, धनुष और सारे अस्त्र शस्त्र निकाल दिए, क्योंकि युद्ध की नीति क्या रही है कि जैसा सामने वाला आया है वैसे मैं भी जाऊं, और मानो अब युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं, वो शेर इतना क्रोधित होकर के आता है और उनके पास सीधा छलांग लगाता है और वो त्रिपिश कुमार इतने अलर्ट है इतने जागरूक है कि वो अलर्ट लगाया उसके पहले ही सीधा उसका हाथ खा जाता है, उसके जबड़े में जाते हैं और जबड़े को चीर देते हैं और चीर देते हैं, वो धराशायी होता है गिरता है, श्वासें चल रही है मृत्यु हुई है और इधर चीर करके मानो त्रिपिश कुमार को अपने रथ में बैठ रहे हैं। अब वो सारथी उनके पास आता है, किसके पास, उस शेर के पास आता है, उस वनराज के पास आते हैं और वनराज को बोलते हैं कि तुम दुखी मत हो, अरे तुम अभी मृत्यु को जरूर प्राप्त हो गए हो पर किसके द्वारा प्राप्त हो गए हो, जैसे तुम वर के राजा हो ऐसे ही नर के राजा है, तो तुम किसी आम व्यक्ति से मरण को प्राप्त नहीं हो रहे, तुम तो वीर गति को प्राप्त हो गए क्योंकि तुम्हारे को किसी योद्धा ने ही मारा है, किसी वीर योद्धा ने मारा है, ऐसा उसको बोलते हैं। मानो क्या करें वो साथी, अपने
नीतिश कुमार का क्या कर रहे हैं, उनका बखान कर रहे हैं। ये साथी कौन थे पता है? ये कपिल जो मरीची के पास दीक्षा लेते थे, वही जीव वो मरीची का जीव अभी नीतिश कुमार के भव्य नीतिश कुमार बने और वही कपिल क्या बने हैं, साथी बन गए। ऐसा उनकी अटैचमेंट चल रहा है, मरीची उन्हें सही नहीं है, पर सिर्फ उन्होंने गुण देखा कपिल ने कि मुझे इनकी क्रिटिसाइज नहीं करनी, मेरे पुत्र यही भगवान है, और ऐसा ऋणाम बन गया कि इस भाव में भी नीतिश कुमार और वो साथी साथ में, और आगे चलकर यही साथी कौन बनने वाले हैं, गौतम स्वामी बनने वाले, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ऐसा एक संदेश देने की गुणा आगे बनोगे, बार बार गुण गाओगे देव धर्म के, तो आप देव धर्म के साथ ही आपका क्या होगा, संबंध बनते जाएगा, और आप आने वाले समय में ऐसा ऋणानु बंध करोगे कि उनके इर्द गिर्द ही आपको क्या मिलेगा, जन्म मिलेगा। तो ऐसा वो साथी हम सबको संदेश दे रहा है, और यहाँ से नीतिश कुमार जाते हैं, पर यहाँ पर परमात्मा की आत्मा का मानव पूरा पुण्य का स्टॉक खत्म होने वाला है, ऐसा वो संदेश दे रहे, जितना पुण्य लेकर के आए थे, अब वो अश्विन ग्रीक राजा को पता चल जाता है कि ये मुझे मारने वाला बनेगा, इसकी शक्ति और कम पड़ जाए तो क्या करूं, पहले इसको मैं खत्म कर दूं, और आक्रमण करते हैं। पर वो वासुदेव बनने वाली आत्मा थी, ये नियम होता है कि कोई भी वासुदेव प्रति वासुदेव को मारते हैं और उसका तीन खंड का जो राज्य है उसको अपने अधीन करते हैं, और वासुदेव नाम की घोषणा होती है, जय जयकार होता है, और सारे तरफ उनकी सल्तनत मानो मोनोपोली एक नीतिश कुमार की कंपनी की ओर फैल जाती है, और सब जगह उनके जय जयकार होते हैं। अब यहाँ तक तो पुण्य की फिल्म जबरदस्त चल रही है, पर क्या किया, जैसे पानी की टंकी में छेद होता है, पूरा पानी एक बार में गिर जाता है, मानो परमात्मा की आत्मा ने जितना पुण्य इकट्ठा किया विशाखानंद के विश्वभूति के भाव में और नैसार के भाव में, मनुष्य के भाव में, वो सारा का पुण्य अब मानो खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीए को मारा है तो ना जाने कितने कर्मों का बंध किया है, और अब तो क्या हो रहा है, अब परमात्मा के जीवन में अद्भुत घटना घटने वाली, परमात्मा की आत्मा के जीवन में, अभी परमात्मा तो बने नहीं थे, अब क्या होने वाला है। तो कहते थे नीतिश कुमार वासुदेव है, उस समय किसी चक्रवर्ती का राज इस दुनिया में नहीं था, तो वासुदेव ही मानव संसार के नायक थे उस समय के लिए, और ऐसे वासुदेव अब नरसंहार के नरसंहार कर रहे हैं, क्योंकि ये वासुदेव का जीवन कैसा होता है, जो लड़ता है उसको तो मारते हैं, और जो अपराध करता है उसको सीधा लड़ देते, सुदर्शन चक्र भी इनके पास रहता है, और ऐसे वासुदेव के जीवन में एक घटना घटती है कि मन बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लोग वाहवाही कर रहे हैं, एक काली का काम होता है, दास दासी सब आधीन है, पर अब क्या करें, वासुदेव के जीवन में एक घटना कौन सी घटती है, तो अब यहाँ पे शास्त्रकार वर्णन कर रहे हैं कि एक बार उनके राज्य में कौन आता है, संगीतकार आते हैं, एक अच्छा संगीत बजाने वाले, एक पार्टी आती है, वो बोलती है राजा हमारा संगीत एक बार सुनिए, हम आपको क्या करेंगे, प्रसन्न करेंगे, और राजा बोलते ठीक है तुम सभा में प्रारंभ करो संगीत, और जब संगीत प्रारंभ होता है राजा को आनंद आता है, पर धीरे धीरे राजा को निद्रा लगने लगती है, तो राजा अपने शैया बालक मतलब जो शैया के समय ध्यान रखते हैं, ऐसे शैया बालक को आदेश देते हैं, क्या आदेश देते हैं कि जब मेरी नींद लग जाए तो तुम क्या करना, तो तुम क्या करना, तुम उस संगीत को बंद करा देना। वो बोलते जी बुजुर्ग जैसा आप बोले वैसे ही होगा, और इधर राजा को नींद लगती है, और उस समय के बाद नींद थोड़ी खुलती है, और देखते संगीत चल रहा है, तो राजा को संगीत नहीं दिखता, मानो क्या दिखता है कि अब मैंने क्या आज्ञा दी थी, एक वासुदेव ने आज्ञा दी थी कि ये संगीत बंद होना चाहिए, नहीं हुआ, तो राजा को एकदम से क्रोध आता है, और क्रोध का क्या होते शैया बालक को खड़े करके सामने कि मेरी आज्ञा क्यों नहीं पाली, तो बोलते राजा गलती हुई है, पर ये संगीत इतना कर्णप्रिय चल रहा था, इतना मधुर चल रहा था कि मैं उसमें बह गया, और मैंने आपकी आज्ञा को अक्षरतः पालन नहीं कर पाया। तो राजा बोलते कि ऐसा दुस्साहस तो इस दुनिया में किसी ने नहीं किया कि वासुदेव की आज्ञा नहीं मानी हो, और वासुदेव का पद का अहंकार बढ़ता है और क्रोध पर क्रोध आता है, क्योंकि तुझे संगीत प्रिय है ना, तो मैं क्या करूं तुझे ऐसा संगीत सुनाता हूं भी कि जिसके बाद में तू संगीत नहीं सुन पाएगा, और एक निर्णय लेते और अपने सिपाहियों को बोलते कि लाओ गरम गरम शीशा लाओ, पिघलता हुआ शीशा लेकर आओ, मैं क्या करूंगा, मैं और मेरे सामने इस शैया बालक के कानों में शीशा डलवा दो, क्यों डलवा दो, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरी आज्ञा का अनसुना कर देना, तो ये सुनने जैसा रहेगा ऐसा इसके जीवन में कर दो। अब परमात्मा की आत्मा अवस्था में और पुण्य के उदय में हो रही है, कषायों का अधीन हो रही है, ऐसा क्रोध कर रही है और उस क्रोध को सही ठहरा रही है, ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध का तीव्र उदय चल रहा है परमात्मा की आत्मा को, और बहुत बहुत बदल के मार्ग में जा रही है परमात्मा की आत्मा, शैया बालक के कान में
गर्म गर्म शीशे करते हैं और तुरंत ही प्राणांत होता है, मानो उस जीव का क्या हुआ मालूम नहीं, और उस विभिष्ट कुमार के गांव में क्या होता है, उनका आयुष्य घटता है। और इस जन्म में पहली बार परमात्मा के जीवन में वो घटना घटती है, अभी तक 18 भाव में नहीं घटती, परमात्मा की आत्मा को अगले ही भाव में कहां जाना पड़ता है, तो कहते हैं उनका सातवीं नरक में प्रवेश होता है। सोचो तीर्थंकर जो सहो शरण में बैठेंगे और हम सबको देशना देंगे और नरक का चित्र बताएंगे, हे चित्त वैसे काम मत कर कि तुझे नरक में जाना पड़े, और स्वयं महावीर जो बन रहे उनको कहां जाना पड़ रहा है, तो कहते हैं कि अब ये कर्म सत्ता उनकी जो क्रोध किया था और क्रोध को सही ठहराया था कि मैं वासुदेव हूं और वासुदेव के क्रोध को करना चाहिए और क्रोध करना ही चाहिए और क्या क्या को मानना ही चाहिए, ऐसा जो उस क्रोध को सही ठहराया उसके कारण आत्मा को अब सातवीं नरक में जाना पड़ रहा है। और कहते हैं कि अगला जन्म कहां होना है, अगला जन्म उनका होता है 20वां भाव, परमात्मा का 20वां भाव कहां हुआ, तो कहते हैं सातवीं नरक में हो रहा है। अब सातवीं नरक से परमात्मा की आत्मा अगले भाव में कहां जाती है, उसके बाद जो सीजे मरा था ना, इस एक और घटना बता दीजिए, जिस सीन को त्रिविष्ण कुमार ने मारा था वो सी कौन था, तो वो विशाखा नदी का ही जीव था, और इसी जन्म में वो निहाना पूरा होता है कि इस विशाखा नदी को मैं मारने वाला बनूं, तो वो सी कौन था, वो विशाखा नदी का ही जीव था, और यहाँ पे वो निहाना पूरा होता है, पुण्य पूरा खर्च होता है, ये पुण्य इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, पर आत्मा परमात्मा की आत्मा ने क्या किया, पुण्य को पूरा खर्च कर दिया, अब मानो पाप की दुनिया चलेगी, सातवीं नरक का जीवन अब तीर्थंकर की आत्मा कैसी बिताएगी, तो 33 साल की पूरी आयुष्य लेकर के जा रही है, और इतनी घोर वेदना है, कहते कि निगोद की वेदना जैसी होती और ऐसी एक तरह सातवीं नरक की वेदना है, परमाधामी देव तो वहां पर नहीं होते पर फिर भी जबरदस्त वेदना से वो ग्रस्त होते हैं, और इसके बाद क्या होता है, और इसके बाद वहां पे निकल करके आते थे परमात्मा 21वें भाव में, कहां जाते हैं वापस परमात्मा की आत्मा को चौथी नरक में जाना पड़ता है, और चौथी नरक में लंबे काल जी करके अपने कर्मों को कमाते हैं, और अब उसके बाद कई बीच में तीर्थ और मनुष्य के छुटक भाव करते, छुटक भाव मतलब छोटे छोटे भाव करते, जिन भावों की गणना नहीं की जा सकती, यानी कितने सारे भावों को बता नहीं सकते, इसलिए छुटक भाव बीच में तीर्थ और मनुष्य के होते, और उसके बाद 30वें भाव में परमात्मा की आत्मा वापस अपने जाले से जा रही है। अब यहाँ पे पश्चिम महावीर क्षेत्र में परमात्मा को मुक्ता नगरी में धनंजय राजा और उनकी धार्मिक रानी के यहाँ परमात्मा की आत्मा का जन्म होने वाला है, पुत्र के रूप में परमात्मा की आत्मा दूसरी घोषणा होने वाली आदिनाथ भगवान के द्वारा जो हुई थी कि अब ये जो पुत्र आने वाला है वो कौन बनेगा, तो वो चक्रवर्ती बनने वाला है, ऐसे उस पुत्र का नाम प्रिय मित्र रखा जाता है, वो शूर भी रहते हैं और एक सके के बाद चक्ररत्न से पूरे 6 घर को जीतते महावीर क्षेत्र के, और अंत में 1 करोड़ वर्ष का चारित्र पालते हैं दीक्षा लेकर के। उसके बाद अगला भाव 23वें भाव से यहाँ से प्रयाण करके 24वें भाव में आत्मा कहाँ जाती है, तो दीक्षा की है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं पूर्ण गति में जाएगी, और 7वें देवलोक में जाती है परमात्मा की आत्मा। कौन सा भाव चल रहा है, 24वां भाव, याद रखो 24वां भाव। तो 24वें भाव में भगवान की आत्मा देवलोक में 17 साल की आयुष्य वहां पर वो बिता रहे हैं, और उसके बाद अब परमात्मा कहां आने वाले 25वें भाव में, ये भाव परमात्मा के लिए अब एक बहुत मंगलकारी भाव है, क्योंकि यहां से परमात्मा अब निर्णय करने वाले हैं कि अब मैं कभी नीचे नहीं गिरूंगा, इतने बार नीचे गिर गया, इतनी बार इस आत्मा को मैंने धोखा दिया और नरक और तीर्थ गति में भी जाता रहा, पर अब ऐसा मैं काम नहीं करूंगा, अब आत्मा को पूरी जागृति आने वाली है। इस 25वें भाव में आत्मा जगपुदीप क्षेत्र में भरत क्षेत्र है, और नंदन राजा का वो भाव परमात्मा को मिल रहा है, नंदन राजा के रूप में वो राजा के रूप में यहाँ पे अवतरित होते हैं, और 25 लाख वर्ष क्या करते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हैं, और कौटिल्याचार्य ऐसे सदगुरु भगवान उनको मिलते हैं। सोचो तीर्थंकर जब तीर्थंकर बनेंगे तो कोई गुरु नहीं रहेगा, पर गुरु में ऐसे गुरु को भी क्या बनाना पड़ रहा है, गुरु बनाना पड़ रहा है, मतलब वो हमें संदेश दे रहे कि बिना गुरु बने तो मोक्ष हो सकता है, पर बिना शिष्य बने इस दुनिया में कभी मोक्ष किसी का नहीं हुआ है, तो अब क्या करना, किसी का शिष्यत्व स्वीकार करना, और कब तक स्वीकार करना, जब तक स्वयं गुरु ना बन जाओ,
जब तक तुम्हारे में गुरु तत्व प्रकट हो रहा है तब तक तुम क्या करना, किसी के शिष्य बन करके रहना। तो ऐसे कौटिल्याचार्य के पास दीक्षा लेते हैं और 100,000 वर्ष तक क्या करते हैं, मास्टर श्रवण के द्वारा मास्टर श्रवण करते हैं। और इन मास्टर श्रवण के दौरान दो अमूल्य चीज की उनको उपलब्धि होती है। क्या उपलब्धि होती है बताएगा दो, और दूसरा क्या, तिरंगा नाम कर की देखो जिसकी महिमा है उसी का गुणगान करते हैं। अरे तिरंगा नाम पर नहीं भी मिला तो मोक्ष तो पॉसिबल है ना, पर ऐसी दूसरी चीज क्या मिली जिसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, अब जो मिथ्यात्व जो परमात्मा ने मरीचि के होम में मिथ्यात्व की अवस्था लाई थी, मतलब समय दर्शन का वमन किया था, अब उस समय दर्शन को प्राप्त करते। पर वो समय दर्शन कैसा है, छाई समय दर्शन, मतलब अब ऐसी श्रद्धा कर रहा हूं मैं तत्वों पर, अपनी आत्मा में ऐसी श्रद्धा कर रहा हूं कि अब मैं कहीं चला जाऊं वो श्रद्धा डिगेगी, मतलब अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, अब हमेशा हमेशा के लिए मैंने त्रिया 14 गलती का निवारण कर दिया है, ऐसा मान को घोषणा कर रहे। और उसके बाद निर्मल चारित्र पार करके परमात्मा 20 स्थानक तक की आराधना करते और तिरंगा नाम तक का उपवास होता है। सोचो परमात्मा बनने वाली आत्मा कुछ शुभ भाव आ रहे और शुभ भाव के चलते तिरंगा नाम कर्म का उपासन होता है। ये हम सबके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो तिरंगा करने वाले हैं, पर स्वयं परमात्मा बनने वाली आत्मा कहते ही साई शब्द दर्शन दिया तो उसी भाव में मुक्ति हो सकती है, पर परमात्मा की मुक्ति क्यों नहीं हुई, क्योंकि ऐसा शुभ नाम कर्म उन्होंने बांध दिया है, तब तीन भाव और आगे उनकी यात्रा चलेगी। तो जो तिरंगा नाम कर्म मुक्ति में भी बाधक है, हम सब जीवों के तो कल्याण के लिए अवसर है, पर ऐसा तिरंगा नाम कर आत्मा को नीचे ही गिराता है। एक अपेक्षा से प्रकार नीचे क्यों, क्योंकि आत्मा भी शुद्ध नहीं हो पा रही है, शुभ कर्म आत्मा में लगे हुए हैं और इस नाम कर्म का उदय दो भाव के बाद आने वाला है। और उसके बाद वहां से 100,000 वर्ष का चारित्र पाल करके 100,000 वर्ष मासिक श्रम पाल करके अगला भाव 26वां भाव भगवान का कहा हो रहा है। तो कहते हैं 10वें देवलोक में जाते हैं परमात्मा, चारित्र पालने से देवलोक जाना पड़ता है, 20 सालों की आयुष्य जी करके अब परमात्मा कहा है 27वें भाव में परमात्मा का प्रवेश, अब परमात्मा कहा है 27वें भाव में प्रवेश हो रहा है। अब 27वें भाव में परमात्मा का चेवन होता है, चेवन कहा होता है, देवानंदा परिषद दत्त के घर में होता है, सभी जानते हैं। चेवन जब होते हैं तो परमात्मा को ज्ञान नहीं रहता कि मैं चेवन हुआ है, चेवन के पहले देवलोक में तो ज्ञान रहता कि मैं कहां जाने वाला हूं, और चेवन होने के बाद यहां पर उस गर्भस्थ शिशु को ज्ञान रहता कि मैं कहां से आया, पर चेवन का समय बहुत कम रहता है, इसलिए परमात्मा जान नहीं सकते उस समय को। ऐसे तीन ज्ञान को लेकर के, मध्य ज्ञान, शुभ ज्ञान और अवधि ज्ञान को लेकर के परमात्मा देवानंदा के घर आकर के बता रहे हैं। देवानंदा के घर आकर में आगे क्यों आना पड़ा परमात्मा को, तो कहते हैं कि फिर उदय अभी आने तो नहीं बता रहे, तुम गर्भ में आए, अब क्यों आए गर्भ में भगवान, तो कहते हैं कि एक कर्म का उदय बाकी था पुराना, उसका हिसाब चुपका करने का मौका आ गया। अब कहते ना मन ये समय आ गया है, अब दे दो पैसा, मैंने तुमको दिया था 4 महीने के लिए, अब मैं लेने आया हूँ, तो बात है कर्म जो मरीचि के घर में बाधा था, सोचो कितने समय की बात हो गई है, ऐसे कई जन्मों के कर्म हमारे साथ चल रहे, कब कौन सा उदय आएगा पता नहीं हमको, जागरूक नहीं रहेगी आत्मा तो वापस कर्म माने, तो ऐसा कर्म का उदय कौन सा आ रहा है जो बीच गोत्र कर्म माना था, पिछाने तो निम्न गोत्र कर्म कुल का मत किया था, अहंकार किया था कि मैं ऐसे उत्कृष्ट कुल का हूं, उस कुल का अहंकार भी ले डूबा, कहां डूबा, तो ऐसे निम्न कुल में भगवान को आना पड़ा। वो देवानंद और ऋषि कहां रहते थे, तो लछवाड़ जो बिहार के पास है वहां पर एक गरीब बस्ती, और गरीब बस्ती में ऐसे कुछ निम्न लोग रहते थे, और वहां पर तिरंगा बनने वाली आत्मा क्या कर रही है, अब आ रही है, और कितने दिन वहां रहती है, हाँ इतने दिन तक 83 दिन तक उसका उदय चलता है, और भगवान को वहां रहना पड़ता है। और इस समय जब जैसी गर्भ में आते हैं देवानंदा माता 14 महास्वप्नों के दर्शन करती है, और माता दर्शन करने के बाद जागृत होती है और अपने पति के पास जाती है, पति का कक्ष अलग है, और पति के पास जाकर के उनको कैसे उठाती है, कैसे उठाती है सीखना, एक रथ का किस्सा बता रहे प्राचीन संस्कृति में सीखनी है, कैसे उठाती है आजकल के पति बताते हैं हमको कैसे उठाती है हमारी शालिका जी, कई बार ठंडी का दिन है हम उठती है रजाई से, तो मानो हमारा स्नान भी क्या करती वहीं करा देती है, पर वो देवानंदा कैसे उठा रही है, हे देवानंद प्रिय कितने मधुर स्वर में बोलिए, हे महाराज आपकी जय हो विजय हो, मतलब इस संस्कृति से सीखना चाह रहे हैं कैसा विनय भाव है, कैसा एक आदर का भाव बना हुआ है। और उसके बाद वो राजा भी देवदत्त कैसे थे, वो विद्वान थे, वो उठे और ये नहीं बोला कि रात को 12 बजे मेरा दिमाग खाने की वाकई है, ऐसा बोला क्या,
पर अभी आपके पास ऐसा होता है क्या? तो सोचो आप किस स्कूल के हैं, किस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो वहां से कुछ सीख लेना आपको। तो वो उठते हैं और उनको पूछते हैं कि इतनी रात को आने का प्रयोजन क्या है, और वो साधक सम्मान बैठा करके सारी वार्तालाप होती है। उन्होंने कहते हैं कि मुझे मैंने ऐसे महास्वप्न देखे जो अपूर्व है, मैंने जीवन में कभी ऐसे कुछ देखा नहीं और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। और वो विद्वान थे, निकलते थे शास्त्रों में ज्ञाता थे, और वो स्वयं जो समय बताते हैं कि मानो हमको कोई पुत्र का लाभ होने वाला है, वो पुत्र का लाभ भोग का लाभ भी देगा, यश का लाभ भी देगा, कीर्ति का लाभ भी देगा, और वो कोई ना कोई महान व्यक्ति बनेगा। ऐसा निरंतर तो नहीं बोल पाते क्योंकि इतना ज्ञान नहीं देता उनको, पर ऐसा कुछ ना कुछ विशेष कोई व्यक्ति, कोई विशेष पुरुष, कोई विशेष ज्ञानी हमारे घर, तुम्हारे घर में आया है, ऐसा घोषणा होती है। और देवानंदा ब्राह्मण, देवानंदा जो माता रहती है, वो क्या करती है, रात्रि का समय वापस होकर के जाती है। अभी हम रात के 12 बजे आरती करते हैं यहाँ पे दिवाली के दिन, परमात्मा की निर्वाण आरती होती है ना, तो निर्वाण आने के बाद हम क्या करते, वापस जाकर के सो जाते हैं। अरे इतना सुंदर दृश्य देखा, उसके बाद तो माला जाप कैंसिल करना चाहिए, पर हम वापस कीचड़ में चले जाते हैं। वो देवानंदा माता क्या कर रही है, माता अपने सौभाग्य को बता रही कि नहीं नहीं मैंने ऐसे सुंदर स्वप्न देखे, ये सुंदर स्वप्न देखे वापस कोई कुछ स्वप्न बता जाए, कोई राक्षस, कोई दानव, कोई विद्या, कोई माया नहीं मेरे स्वप्न को चुरा मत दे, मेरे गर्व को चुरा मत दे, तो आज रात्रि को मैं कैसे बिताऊंगी, तो मैं जागरण करके बिताऊंगी। और वो दोनों पति पत्नी जागरण करके बिताते हैं, और इधर ये सब वृंदावन को सुनते हैं। अब इधर जैसे देवानंदा खुश हुई है कि मेरे कुक्षी में मानव को महान व्यक्ति लगा रहे, तो ऐसे कोई दूसरा भी कोई खुश हुआ है क्या? अरे इसी को और खुशी है क्या कि परमात्मा का जीवन इस भरत क्षेत्र में हो चुका है, त्रिलोकी नाथ पधार चुके, ऐसी किसी को खुशी है क्या? और आपको है क्या? कहां खुशी है? आप तो अपने बेटे की नहीं बस खुशी होती है कि मेरा बेटा आगे तैयार हो सके, मेरे बड़े बेटे का हैप्पी बर्थडे मनाऊंगी, किसको खुशी है? कौन इंतजार कर रहा है परमात्मा के आने का? कोई बताया? सही बात है, वे देवाधिराज देवराज इंद्र अब क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसका? परमात्मा का चरण देख लेते हैं अपने ज्ञान से। और मानो वो क्या हुआ महाराज, चरण को देखने के बाद उनको कैसी एक अंदर में खुशी चल रही है, देवेंद्र देवेंद्र है ना, उनको इस भरत क्षेत्र से क्या वास्ता, और वो तो दीक्षा भी नहीं दे पाएंगे, पर उनको खुशी क्यों है ये बता पाएगा? सही से बता दो, मैं एक गिफ्ट दूंगा। सही से बताओगे क्या है आपका प्रयोजन, कोई इतने खुश क्यों है, कोई बताएगा? हमारा खुश होना जायज है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम शायद उनसे कुछ ले पाएंगे, पर वो तो कुछ ले ही सकते, इतनी ताकत नहीं होगी शरीर में कि वो चारित्र अधिकार कर सके। अरे संग्रह ऋषि तो बन रहे ना, आप क्या चाहिए, अभिषेक करेंगे, नहलाएंगे सावन से, समय की प्राप्ति तो है ही उनको। देखो वो इंद्र क्या भावना पा रहे, जब जैसे ही देखते हैं अपने सिंहासन से कि परमात्मा का चरण इस धरती पर हो चुके हैं, तो क्या भावना पा रहे, कहे कृपा प्रभु दर्शन दीनो, भव की पीड़ मिटाए, कर सपटे कर की कृपा प्रभु दर्शन दीनो, भव की पीड़ मिटाए, मोहन दास जागृत कर के, मोहन दास जागृत कर के, सत्य की बात बताई हो की घड़ी आई।
हम तो इतने मूर्ख हैं कि हम ऐसे सूत्रों की रचना भी नहीं कर सकते।
करते, पर जिन्होंने रचना की है उनके सूत्र को हम बहुमान से गा भी नहीं रहे। कितने बार मौका आते हैं रघुवरण बोलने का प्रतिक्रमण में, पर फिर भी कहां भाव आते हैं, कहां दिखते थे घर घर के वो स्वरूप का दर्शन। बस इधर महाराजा की भक्ति को सीख लेना, और सीख लोगे तो कल तुमको तीर्थंकर का सानिध्य जब मिलेगा तो तुम भी कहना चाहोगे भगवान बन जाओगे। तो ऐसे तीर्थंकर के स्वरूप को बताने के लिए मानो हमको इंद्र महाराजा से भी परिचय कराया कि देखो ये इंद्र महाराजा की महिमा आती ना। अगर अमिताभ बच्चन के असिस्टेंट की महिमा आएगी तो अमिताभ बच्चन की महिमा आनी ही चाहिए, तो ऐसी इंद्र महाराजा की महिमा कर लो ना, तो इंद्र महाराजा किसके अधीन है, किसके नर वस्त्र होते हैं, ऐसे देवाधिदेव तीर्थंकर परमात्मा है। अब यहाँ पे इंद्र महाराजा देखते कि अरे ये क्या घटना घटी कि परमात्मा कहाँ पर आ गए, देवानंदा माता के आ रही तो नींद कुल में आ गए। ऐसा कभी होता नहीं कि कोई तीर्थंकर नींद कुल में जन्मे, राजसी कुल, विश्वसनीय कुल और जिनकी प्रख्यात कुल में आते हैं। तो मैं क्या करूं, मेरा इंद्र का कर्तव्य होता है, ऐसा पूर्व में भी हुआ है और अभी भी मेरा कर्तव्य है कि मैं क्या करूं, परमात्मा का जो ये घटना घटी है, परमात्मा निम्न कुल में आ गए, अब उसको क्या करूं, मैं वापस सुना परमात्मा उच्च कुल में जाऊं और यहाँ पर परमात्मा को छठवा कर जाना, गरबा प्रकट कर जाना। तब उस समय आता है हरि कमिश देव को बुलाते हैं। ये हरि कमिश देव कौन है पता है, ये वही हरि कमिश देव जो बाद में परमात्मा महावीर के मोक्ष होने के बाद 1200 साल बाद 980 साल के बाद देवर्ती गणेश क्षमा श्रवण हुए। ये दवर्दी गणेश क्षमा श्रवण ये हरि कमिश देव का ही चीज है जो आज हमको आगम मिल रहे हैं। सारे आगम को पुस्तकों में लिखने के बाद इन देवर्दी गणेश क्षमा श्रवण ने किया, मतलब हरि कमिश देव के जीव ने ही किया है। तो ऐसे हरि कमिश देव को बुलाया जा रहा है, मानो अब वो अपना कर्तव्य निभाने जा रहे हैं। और अब उन हरि कमिश देव को बताते कि ऐसी ऐसी घटना घटी है और ऐसी होती है। तो हरि कमिश देव पूछते कि हे देवाधिराज, मेरी लाइफ जो भी आती है वो तो आप दे ही, पर मुझे ऐसी घटना बताए कि और ऐसी कौन सी घटना घटती है जो कभी होती ही है पर होती कभी कभी हुई है। तो ऐसे 10 अच्छेदों का वर्णन अब यहाँ पर इंद्र महाराजा कर रहे हैं। वो 10 अच्छेदे क्या है, अब उसका एक एक का वर्णन आ रहा है यहाँ पर। 10 अच्छेदे मतलब तो क्या होते हैं, आश्चर्यकारी घटना, मतलब जो कभी घटती ही है पर कभी कभी हुई है। तो ऐसी घटना के बारे में अब बता रहे। तो पहला आश्चर्य क्या है, तो पहला आश्चर्य यहाँ पर कौन सा बताया जा रहा है, किसको बताते हैं, केवल ज्ञान के पश्चात किसी तीर्थंकर परमात्मा को उपसर्ग आना। ये सबसे निंदनीय बात है कि कभी कोई केवल ज्ञानी को कोई कष्ट आता नहीं है, पर इस पंचम काल में परमात्मा महावीर के साथ ये घटना घटी। अरे परमात्मा महावीर का तो पूरा जीवन उपसर्ग से भरा है, जन्म दिया गर्भ में आए तो क्या हुआ, स्वयं उपसर्ग को सहन किया हीरे ने, और जब जन्म दिया तो बाल अवस्था में भी राक्षस का और देवता का उपसर्ग आया, दीक्षा लेने के बाद उपसर्गों की भरमार आई और परमात्मा का ऐसा कर्म का उदय असाता मिलेगा कि परमात्मा को केवल ज्ञान के पश्चात ही उपसर्ग आ गए। कौन दे रहा है उपसर्ग, तो कहते हैं गोशाला, नाम सुना है हम सभी गोशाला के हैं, अभी तो नहीं है जब वो गोशाला तब आगे बढ़ चुके हैं, पर मानो हम सब गोशाला के हैं क्योंकि परमात्मा के विपरीत जा रहे थे। वो गोशाला क्या कर रहे थे, अपने नाम को इस तरीके से प्रचार कर रहे थे कि मैं कौन हूं, मैं तीर्थंकर हूं। उस गोशाला भगवान के साथ काफी समय रहे थे पहले, जब परमात्मा छद्मस्थ अवस्था में विचरण कर रहे थे दीक्षा के जीवन में, तो वो गोशाला ने क्या किया था, परमात्मा को देख देख करके परमात्मा से एक विद्या सीखी थी, तेजो एशिया कैसे बनाई जाती है ऐसी विद्या को सीखा था, और तेजो एशिया का प्रभाव इस मनुष्य के जगत में रहने वाले लोगों को दिखाया और अपने आप को ऐसा विख्यात किया कि मैं कौन हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ। पर जब लोग बोले कि दो तीर्थंकर कैसे मौजूद है, ऐसे लोगों में भ्रमना फैली तो शंका समाधान करने लगे, तो गौतम स्वामी आदि ऋषियों ने बोला कि ये तीर्थंकर नहीं है। और ऐसा जब बार बार उसका बुरा प्रचार किया गया तो गोशाला भड़कते हुए परमात्मा के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे बाजू उल्टा सीधा बोलो मत, मैं तीर्थंकर ही हूँ, जिस गोशाला की तुम बात कर रहे हो वो मर चुका है, मैं कोई दूसरा ही गोशाला हूँ। और परमात्मा के दो मुनिराज हैं, सुनक्षत्र और सर्वानुभूति, ऐसे दो मुनिराज परमात्मा की अवहेलना जब बार बार करते गोशाला वो सुन नहीं पाते और वो वापस उनको विरोध करते हैं गोशाला को, तो गोशाला क्या करते हैं, गुस्से में आकर के तेजो दिशा का प्रयोग करते हैं और गर्म तेजो दिशा अपने शरीर से निकाल करके फेंकते हैं। परमात्मा पहले ही मुनिराजों को अलर्ट कर चुके रहते हैं कि तुम सब दूर हट जाना, ये गोशाला का कुछ ना कुछ उपद्रव करने वाला है, पर मुनिराज परमात्मा की भक्तिवश क्या करते हैं, उसका विद्रोह करने लगते हैं और वो तेजो दिशा दोनों मुनिराज के शरीर में प्रवेश करती है और पूर्ण ही उनका क्या होता है, शरीर मरणांत तक पहुंच जाता है तेजो गुणों। और वो तेजोवेशिया परमात्मा की ईर्द गिर्द 3 बार फेरी लगा करके पुनः कहां चली जाती है, गोशाला के शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि तीर्थंकर का शरीर परम अवतारित करुणा से बनता है
नुकसान पहुंचा नहीं सकता, इसलिए मानो वो तेजी वृक्षा से प्रेरित दे रही है कि मानो मैं इनके अधीन हो चुकी हूँ और परमात्मा की सीध देशा वहां से निकलती है और वो गौशाला तक पहुंचती है। और ये गौशाला अभी तो इतने कैसे करते गंदे लग रहे हैं, पर कहते हैं कि आने वाले समय में ये गौशाला की योग्यता जगी, पात्रता जगी और परमात्मा ने गौतम स्वामी को भेजा था उनके अंतिम समय में प्रतिबोध देने के लिए। और उस समय गौशाला पहचानते कि मैं किसी सूर्य को हाथ दिखाने का काम कर रहा, वो तो देवादि देव है, तीर्थंकर वही है, मैं तीर्थंकर नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट किया और मानव समय को सभी दर्शन की प्राप्ति हुई और वो गौशाला मर करके देवलोक में जाते हैं। और ऐसा पहला अक्षरा वहां पर होता है कि किसी भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के बाद क्या सर लगते हैं। सोचो परमात्मा को सर दिया, कष्ट दिया, हम देते क्या परमात्मा को कष्ट, हम तो उनकी पूजा करना चाहते हैं, पर फिर भी सोचो कैसी पात्रता जगी कि भगवान से दुश्मनी होनी पर फिर भी अंतिम समय भगवान के भक्त बन गए। कहते जब उनका अंतिम शव यात्रा ली थी तो उन्होंने गौशाला में बोला था कि मेरी शव को क्या करना, घसीट के ले जाना और दुनिया में प्रचार करना कि तीर्थंकर तो भावी ही थे, मैंने झूठा प्रचार किया, मैं तीर्थंकर नहीं था, ऐसी घोषणा की, सत्य को एक्सेप्ट कर लिया और समय दर्शन की प्राप्ति की थी। अब दूसरा अवसर क्या है, वहां पर दूसरा अवसर बताइए तुम। गर्भावरण जो हुआ ये परमात्मा के जीवन में घटना घटी, ऐसा कभी होता नहीं कि दो बार जन्म हो, दो बार चेवन हो, ऐसा कभी हुआ नहीं किसी के परमात्मा के जीवन में, तो परमात्मा महावीर के जीवन में ऐसी घटना घटी। और तीसरा उत्सव तीसरा अक्षय नगर बता रहे कि स्त्री तीर्थंकर कभी भी तीर्थंकर पुरुष बने से नहीं पैदा होते, कभी ऐसा बहुत लंबे काल में हुआ नहीं कि कोई स्त्री जाति में रहकर तीर्थंकर बना हो, पर फिर भी यहाँ पे ऐसी घटना घटी है कि तीर्थंकर के रूप में स्त्री बनेंगे। कौन आ रहे हैं तो बद्रीनाथ भगवान का जन्म, जिन्होंने दीक्षा ली और उसी दिन केवल के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ऐसे बद्री कुमारी जो थे वो स्त्री बने से पैदा होते, तो क्यों स्त्री बने से पैदा हुए तो उनके बारे में ऐसी घटना आती है कि पूर्व जन्म में वो छह मित्र थे और सबने दीक्षा ली थी, सबने संसार के साथ में किया और सबने संसार छोड़ा भी साथ में और आराधना भी साथ की, पर जो बल्ली कुमार थे जो पूर्व में पुरुष थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सोचा कि मैं कुछ विशेष आराधना करूं, थोड़ा हटके आराधना करूं, मैं ध्यान में भी थोड़ा लगूं, दर्शन में लगूं और चारित्र में भी क्या करूं, थोड़ा कुछ विशेष करूं, ऐसी भावना के साथ किया गया। तप का पालना नहीं किया, थोड़ा मेरा सिर दुख रहा है तो मैं अभी तप प्रारंभ ही रखता हूँ क्योंकि खाना खाऊंगा मतलब आहार करूंगा तो शायद अभी पालना चीज से होगा नहीं, और विशेष करने के लिए कुछ अलग दिखाने के लिए वहां पे मायाचारी की हल्की मायाचारी थी, पर मायाचारी तो मायाचारी है और उसका परिणाम क्या हुआ, स्त्री बने से पैदा होना पड़ा और वही स्त्री आगे जाकर के मल्ली कुमारी जब तीर्थंकर बनते हैं तो देशना जब होती है तो स्त्रियों की पर्षदा सामने रखती है और पुरुष पर्षदा पीछे रखती है, ऐसे तीर्थंकर बनने वाली आत्मा का ये चौथा अक्षेरा तीसरा अक्षेरा था कि परमात्मा स्त्री बने से हुए जन्म हुआ। अब पांचवा अक्षेरे की बात आ रही है, चौथा अक्षेरा कौन सा था, देशना। परमात्मा तीर्थंकर जब बनते हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद प्रथम ही देशना जो होती है वो कभी निष्फल नहीं जाती, मतलब पहली देशना में माल बिक जाता है परमात्मा का, आज दुकान खोली और आज ही कई लोग आ गए माल खरीदते हुए, पर हम तो इतने दिन से बक रहे हैं आपके कोई भी अभी तक आकर के जीवन आपको दिखा रहे हैं, हम क्योंकि हमारा जीवन इतना अच्छा नहीं ना, परमात्मा का जीवन सही इतना अच्छा होता है कि पहले ही जब परमात्मा देशना देते हैं तो कोई ना कोई सर्ववृद्धि को लेने वाला, देश वृद्धि को लेने वाला और तो कोई सम्यक दर्शन को लेने वाला, मतलब ऊंची में ऊंची साड़ी भी खरीद लेते हैं, बीच की मीडियम साड़ी भी खरीद लेते हैं और नहीं तो 500-400 रुपए वाली साड़ी को लेने वाले रहते ही है, पर परमात्मा महावीर की देशना प्रथम जो थी केवल ज्ञान के पश्चात वो देशना फेल हो गई, मतलब कोई निष्फल गई थी, परमात्मा को एकदम शाम शाम के समय में केवल ज्ञान हुआ था और देवता ने व्यवहार के नाते एक औचित्य के नाते समुद्र की रचना की, पर परमात्मा ने जान लिया कि अभी कोई वृद्धि अंगीकार करने वाला है नहीं, सिर्फ कुछ ही समय के लिए, मिनिमम देशना कितने समय की थी, किसी को पता है, एक प्रहर की, 16 प्रहर की या नहीं, एक प्रहर की देशना मिनिमम देते ही परमात्मा, पर परमात्मा ने सिर्फ औचित्य को निभाने के लिए कुछ समय वहां पे देशना दी और सोचो वहां पे उस समय शासन की स्थापना नहीं हो पाई, परमात्मा एक ही रात में चल करके कहा जाते हैं पावापुरी जाते हैं, मतलब 200-250 किलोमीटर का विवाह एक ही रात में करते हैं, रात को विवाह होता है और अगले दिन परमात्मा मानो गौतम स्वामी को लेने आए हैं, ऐसे सर्वविद्य धर्म को अंगीकार होते हैं, चतुर्वेद संघ की स्थापना दूसरे दिन होती है, तो ऐसा अचेरा हुआ कि केवल ज्ञान तो हुआ पर चतुर्वेद संघ की स्थापना उस दिन नहीं हुई। अब पांचवा वासुदेव का परस्पर मिलन,
अरे मतलब ये क्या अच्छे की बात करो कि दो वासुदेव भी मिलते, हमारे यहाँ तो ये भी अच्छे रहा है कि दो भाई भी एक समय के बाद नहीं मिलते, दो बहनें भी नहीं मिलती, देवरानी जेठानी भी नहीं मिलती, दो प्रधानमंत्री भी नहीं मिलते, तो वो वासुदेव के अच्छे की बात तो छोड़ो, पर ऐसा अचेरा हुआ है कि कभी भी ऐसा होता नहीं कि दो वासुदेव मिल जाए, पर एक घटना घटी जिसमें दो वासुदेव मिले हैं। तो घटना क्या घटी थी, तो द्रौपदी, द्रौपदी के नाम सुना है क्या आपने? हाँ, उस द्रौपदी की कहानी आती है। क्या बोल रहे हैं कि वासुदेव वासुदेव का मिलना हुआ है, एक ऐसे हुआ, तो द्रौपदी जो थी पांच पांडवों की पांचाली, उन्होंने स्वयंवर में अर्जुन को क्या था, राधा भेट से अर्जुन ने स्वयंवर से उसको लिखा था, और पांचों ही पांडवों ने वरमाला डाली थी। तो क्यों डाली थी, तो पूर्व में वो द्रौपदी ने भावना भाई थी कि मैं पांच पत्नियों का सुख भोगू, तो ऐसा करके उनके उदय आया। कहानी शॉर्ट में बता रहे हैं, पर उसके बाद अब एक बार का समय आता है कि नारद जी द्रौपदी मतलब पांडव के घर में पधारते हैं, और नारद जी जब आते हैं तो द्रौपदी का क्या करती है, सत्कार नहीं करती, मतलब उनको सम्मान नहीं देती। क्यों नहीं देती दिया, क्या क्यों नहीं देती सम्मान, क्योंकि द्रौपदी समय दृष्टि थी, तो द्रौपदी को ऐसा लगता है कि ये अप्रति है नारद जी, तो अवप्रति के लिए मैं क्यों उठूं, पर वहां पे द्रौपदी की गलती थी कि शिष्टाचार का पालन करना चाहिए था, पर नारद जी का सम्मान नहीं करती, उठ करके उनका अभिवादन नहीं करती उस समय, क्योंकि वो जानती कि ये अवप्रति है और अवप्रति का मुझे क्या करना, सम्मान नहीं करना, और ऐसा नारद जी वहां पे क्या करते हैं, चिढ़ जाते, हमारा कोई सम्मान नहीं करके तो हम भी चिढ़ेंगे ना, तो नारद जी को भी ऐसे वहां पे क्रोध आ जाता है कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा घमंड में फूल रही है, अब इसको तो मजाक चकाना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं उसके बाद नारद जी, जो अपन सब करते हैं वही नारद जी करने जा रहे हैं, क्या करते हैं नारद जी, तो नारद जी जाते हैं, कहां जाते हैं, अब नारद जी जा रहे हैं अमरकंटक नगरी की, जहां पर कपिल वासुदेव है, अब उनके कान भरते जा करके, अरे कपिल वासुदेव बोलते देखो मेरी कितनी सारी रानियां हैं, देखिए तुम्हें ऐसी रानियां मिली थी क्या वरक्षेत्र में, तो वो क्या बोलते, अरे क्या पागल हो तुम, तो कुएं की मेंढक की तरह बातें कर रहे हो, तुमको तो बस यही सहारा दिख रहा है, तुम जाकर के देखो पांडव की रानी द्रौपदी को, उसके जैसी रानी मिल जाए ना तब फिर मेरे साथ बात करना, मतलब अब क्या कर रहे हैं उनके कान भर दिए, अब वो वासुदेव के वासुदेव को तो क्या है, जो भी चीज बताए चैलेंज की तरह लगे मुझे उसको प्राप्त करना ही है, तो ऐसे को कपिल वासुदेव जो पद्मनाभ राजा के सेवक थे, कपिल वासुदेव के सेवक पद्मनाभ राजा को ये बात हो रही है, वासुदेव की बात नहीं हो रही है, पद्मनाभ राजा जो उनके सेवक थे उनके साथ ये वार्तालाप हो रही है कि तुम्हारी रानी तो कुछ नहीं द्रौपदी के सामने, एक बार द्रौपदी को देखोगे ना तो सब भूल जाओगे, ऐसा करके उनको बोल देते मानो आग में घी डाल दिया। अब क्या हो रहा है, वो पद्मनाभ राजा अठम तप करते हैं, अठम तप करके देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपन भी अठम तप करते हैं, अपन पद्मनाभ राजा की तरह अठम तप नहीं करते, अपन तो मोक्ष मार्ग के लिए अठम तप करते हैं, ऐसा है ना, नहीं है, अपन भी कोई ना कोई संसारिक लक्ष्य से ही कर रहे हैं, वैसी को पद्मनाभ राजा की द्रौपदी को पाने के लिए देव को प्रसन्न करते, देवता आता तो है, और जब अपनी डिमांड रखते तो देवता बोलते हैं कि द्रौपदी सती है, सती का शील भंग हो नहीं सकता, और तुम मुझसे ऐसा कार्य करवाना चाहते हो कि बहुत गलत कार्य, वहां पाप का काम है, पर चूंकि देवता उस समय पाते थे तो देवता उस समय उनकी आज्ञा मान करके जाते हैं, और द्रौपदी का अपहरण करके क्या करते हैं, अमर गंगा जो बहुत लवण समुद्र पार करती है, अमर गंगा नगरी है बहुत दूरी पर है, वहां पर उनको लेकर के आ जाते हैं निद्रा दे करके। अब जब सुबह होती वहां द्रौपदी को कष्ट नहीं मिलती, तो कुंती और पांडव परेशान होते कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि देखो तुम पांच पति होकर के भी द्रौपदी को नहीं संभाल सकते, और मैं अकेला कृष्ण कितनी सारी रानी थी, बत्तीस हजार रानी, सोचो बत्तीस हजार रानी तो अकेले श्री कृष्ण संभाल रहे, और वो पांच मिलकर एक पत्नी को नहीं संभाल पाए, ऐसे डांस लगाते मानो हंसी मस्करी कर रहे, कुंती बोलती है हंसी मजाक करने का समय नहीं है, आप पता लगाओ कि द्रौपदी को किसी देवता ने हरण तो नहीं कर दिया है, और उसी समय किसकी एंट्री होती है स्टेज में, नारद जी आते हैं वापस, नारद जी क्या बोल रहे, नारद जी के हाव भाव बड़े चेंज दिख रहे, कृष्ण जी समय कृषि थे पहचान तो थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं, कृष्ण जी पूछते क्या तुमने द्रौपदी को देखा है क्या, अरे मैं द्रौपदी को तो शायद देखा ही नहीं देखा मालूम नहीं, पर द्रौपदी की जैसी मैंने स्त्री को सोते हुए देखा कहां पर, अमर गंगा में पद्मनाभ राजा के, बस यहां पर कृष्ण जी को पूरा अनुमान लग जाता है कि हो ना हो ये किसकी कारनामा है, तो नारद जी ने कुछ गड़बड़ की है, और वो फिर अंदाजा लगा लेते हैं, और कृष्ण जी
अट्ठम के राजा करके देव प्रसन्न करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण समुद्र को क्रॉस करना इतना आसान काम नहीं है। तो देव प्रसन्न तो होते हैं और देव बोलते हैं कि मैं समस्त सेना को तो वहां भेज नहीं सकता, कोई 6000 तुम डिसाइड कर लो, तो 6000 को मैं वहां भेजूंगा। तो 5 पांडव और श्री कृष्ण प्रयाण करते हैं अमर कंका की तरफ। अब अमर कंका गए, अब पहले दूत को भेजते हैं, पहले सोचते हैं कि छोटे में काम निपट जाएंगे, फिर फोर्ट का चली जाएंगे। तो क्या करें, पहले दूत को भेज रहे हैं अपने नाम पर पद्मनाभ राजा के पास। अब पद्मनाभ राजा होशियारी दिखा रहे हैं, क्या होशियारी दिखा रहे हैं, अरे कृष्ण को बोल जा करके कि अगर द्रौपदी वापस चाहिए तो युद्ध कर, इस युद्ध करना पड़ेगा। तो कृष्ण जी के पास वापस बुलाता है, 5 पांडव बोलते हैं कि हम जाएंगे कृष्ण जी अपनी पत्नी को वापस लेने, और कृष्ण जी बोलते तुम अगर जाओगे तो पुनः हार कर आ जाओगे। पर स्वाभिमान पौरुष पर क्वेश्चन बात कर जाएगा कि पति खुद अपनी पत्नी को लेने के लिए कृष्ण को भेजना पड़ा, तो क्या करते हैं, जाते हैं, कृष्ण जी की बात नहीं मानते। पर कृष्ण जी बोल करके भेजते कि अवध अगर कभी वहां पर तुमको कोई दिक्कत आ जाए, तुम हारते हो रहे हो, तो शंख फूंक देना, मैं वापस पुनः वहां पर आऊंगा। तो शंख फूंकते हैं कि हार होना दिखा देते हैं, ऐसी नीति देते हैं उस समय, और शंख फूंकते हैं तो श्री कृष्ण वापस आते हैं, और श्री कृष्ण तो रहे वासुदेव, पद्मनाभ राजा के सामने उनकी कोई चल भी नहीं, सुदर्शन सीधा निकालते हैं। उसी समय क्या होते हैं, वो समझ जाते हैं कि सामने मेरा मुश्किल चलेगा, जैसे आप समझ जाते हैं जब पति आवेश में आते, तो ऐसी वो शायद पद्मनाभ राजा ने समझ गए मेरा कुछ चलेगा। वो आते किसके पास है, लॉर्ड को गुरु घर को आए, वो सीधा पहुंचते द्रौपदी के चरण में, द्रौपदी को बोलते कि मेरी रक्षा करो। तो बोलते वो कृष्ण बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे। उसके पहले घटना घटती है जो मैंने बताई, वो नाने के बाद द्रौपदी को बोलते जब अपहरण करके ले जाते हैं कि मैं तुम्हारा वरण करना चाहता हूँ, पर द्रौपदी जान जाती है कि मेरे शरीर की सुरक्षा शायद नहीं हो पाएगी। तो वो बोलती है अगर 6 महीने में मेरे पति यहाँ मुझे लेने नहीं आए, तो फिर तुम जो चाह रहे हो उस पर मैं विचार करूंगी। ऐसे करके 6 महीने का समय प्रसार करती है, और एंगल की तपस्या करती है। क्यों करती है, ताकि मेरे ब्रह्मचर्य की सुरक्षा हो सके, और ऐसे एंगल का शिव दे रही है। पर चूंकि श्री कृष्ण आ चुके वहां पर और अपने रक्षा करने के लिए, तो द्रौपदी उनको एक तरीका बताती है कि तुम स्त्री का वस्त्र धारण कर लो और मुख में क्या करो, त्रिणी को ले लो, और इस तरीके से एक शरणागति के भाव से श्री कृष्ण के चरणों में जाओ, तुम्हें जरूर छोड़ देंगे। और ऐसा ही होता है, श्री कृष्ण माफ कर देते हैं और द्रौपदी पुनः पांडव को प्राप्त होती है। और जब ये जीत होती है तो वहां पे श्री कृष्ण शंख बजाते हैं, क्योंकि वासुदेव जब भी जीतते हैं तो शंख से अपनी घोषणा करते हैं कि आज मैंने नया कीर्तिमान स्थापित किया मानो। और जब ये शंख पुष्पते तो उधर मुनि सुग्रत स्वामी का समोषण लगा रहता है, और वहां पर कौन बैठे रहते हैं, कपिल वासुदेव बैठे रहते हैं। जब ये शंख की आवाज सुनते हैं तो परमात्मा से पूछते हैं, हे परमात्मा किसने हिम्मत की मेरे शंखों को फूकने की, क्योंकि सेम शंख है दोनों का। तो परमात्मा बताते हैं कि तुम्हारा शंख नहीं है, यहाँ पर अभी अभी भरत क्षेत्र के श्री कृष्ण वासुदेव पधार रहे हैं। तो उनको आश्चर्य होते कि वासुदेव और है क्या कोई, तो हाँ एक और वासुदेव है, पर वो मिलने को जब जाते हैं और अपना शंख फूकने पहले मिलने के जाते हैं, पर चूंकि कृष्ण वासुदेव रथ किया प्रयाण कर देते हैं, लवण समुद्र का बहुत सारा रास्ता क्रॉस कर देते हैं, और वो शंख फूकते हैं और शंख से अपना संदेश देते कि रुको वासुदेव, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अरे मैं तुम्हारा सगा ही हूँ। पर श्री कृष्ण उधर से संदेश देते कि हम अभी रुक नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत दूर जा चुके हैं, मानो कि रथ की वो ध्वजा तो देख लेते, पर श्री कृष्ण को पूरी तरीके से देख नहीं पाते। और वहां पे बोलते कि तुम अपना ध्यान रखना, एक दूसरे को संदेश दे, अपनी कृपा बनाए रखना, हम तो मित्र हैं और मित्रता अपना निभाते रहेंगे। ऐसे वासुदेव का मिलन इस तरीके से होता है कि दोनों एक दूसरे करीब तो आते हैं पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते, पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि दो वासुदेव इतने करीब भी आए। इसलिए चौथा पांचवा अक्षर यहाँ पर होता है। अब छठवा अक्षर क्या होगा, यहाँ पे 10 मिनट और जल्दी। सूर्य चंद्र अपने मूल विमान से कभी भी देशना सुनने भगवान के नहीं आते, पर ऐसा परमात्मा महावीर के शासन में हुआ है कि सूर्य और चंद्र अपने मूल विमान से वहां पर पहुंच गए। तो ऐसा लग रहा है अंधेरा भी है, उजाला भी है, समझ नहीं आ रहा कौन सा समय चल रहा है। तो ऐसा एक अचेरा वहां पर घटना घटी कि सूर्य और चंद्र एक साथ अपने मूल विमान से पहुंचे। अब सातवा अक्षरा युगलिंग मर करके नरक पे गए। ऐसा कभी होता नहीं कि युगलिंग मरे और कहां पर जाए, नरक पर जाए। युगलिंग हमेशा कहां रहते हैं, देवगति में जाते हैं। पर ऐसा हुआ है, उसकी घटना इस प्रकार से घटी कि कौन थे वो, युगलिंग मरकर के नगर में कैसे गए, तो वीर नाम का एक वीर था, उसकी पत्नी थी वनमाला, वो जो रूपवान थी, पर वहां का जो राजा था नरेंद्र राजा, उस पर वो वनमाला का प्रेम संबंध हो गया और उसने अपने पति को छोड़ दिया और पति के साथ वो राजा के साथ हो गई।
और वो पति क्या हो गया, पागल हो गया कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया और राजा और पत्नी ने मुझे मिलकर धोखा दिया। और क्या हो गया, वो पागल बनकर के रोड ऐसे सड़कों में घूमने लगा। और एक समय क्या होता है, वो वन मारा और वो राजा जो पति पत्नी के रूप में हम हैं, वो दोनों अपने राजमहल की छत से देखते हैं और अपने पति की हालत जब ऐसे देखती है तो अपने आप को बहुत गुनाहगार महसूस करते हैं कि देखो मेरे कारण मेरे पति की हालत हुई, मैंने भोग विलास की दुनिया को स्वीकारने के लिए अपने पति को छोड़ दिया जो मुझे इतना प्रेम देते थे। और ऐसा उस समय क्या होता है, बिजली का भी क्या होता है, वो राजा को भी पश्चाताप होता है कि हमने गलत किया इसके पति के साथ। राजा और जो रानी है बनवाला उस समय वो दोनों वज्रपात होता है, उस समय बिजली गिरती है और दोनों उस समय मरते हैं। और दोनों मरने के बाद उनका जन्म कहाँ होता है, अगला युगलिंग बने हुए जन्म होता है हरिवर्ष क्षेत्र में। दोनों युगलिंग बनते शुभ भाव से गए इसके बाद उनका जन्म अच्छी जगह में युगलिंग बनते। और ये इसका भी थोड़े समय बाद इस वनवाला वन जो था भी था जो पागल हो चुका था वो भी मरता है। और अगले जन्म में कहा बनते हैं कृष्ण देव बनता है उनको चंपा नगरी में इक्ष्वाकु वंश में एक वंश इक्ष्वाकु वंशीय चंडकीर्ति राजा के घर में जाते हैं जो कि राजा का पुत्र थे, मतलब पुत्र पुत्री कोई नहीं थे। तो राजा का वंश कैसे चले, तो देवता को आराधना कर रहे मान वो राजा, और यही देवता वहां सिर्फ युवती को उठा करके वहां लाते हैं और युवती को बोलते हैं कि तुम इनका पालन पोषण करो और ये आगे जाकर के तुम्हारे यही राजा बनेंगे। ऐसा उस समाज को और राज नगरी को ऐसा प्रतिबोध देते हैं वो देवता। और बोलते हैं साथ में क्या कि तुम इनको खाना खिलाओगे ना तो साथ में मांस भक्षण करा रहा, मतलब तुम सारे सुख ले लेना और मांस भक्षण दारू जुआ ये सब प्रवृत्ति को रखना तुम्हारा आगे बहुत कल्याण होगा। ऐसा वो देव प्रतिबोध देते हैं। तो बचपन से वो मांस भक्षण के संस्कार देते हैं। ये युवती क्या करते हैं, रहते तो युवक बने में पर यहाँ चुकी आकर के उनके संस्कार बिगड़ जाते हैं और इसके बाद आने वाला जंगल वहां होता है नरक में हो जाता है। तो ये युवती कभी मर करके नरक में जाते नहीं है। और अभी ऐसा यहाँ पर एक घटना घट रही है कि युवती मर करके वहां पे गए नरक में। ऐसा सातवां अक्षेरा और आठवां अक्षेरा कौन सा है, चमरेंद्र का उत्पाद तांबी तापस का नाम सुने, शायद वही है कि आत्मा जो चमरेंद्र बनती है आराधना करते हैं। चमरेंद्र मतलब कौन, सौधर्मेंद्र के नीचे ऐसे चमरेंद्र होते हैं पर उनको एक बार एक धूल चढ़ती है। वो अपने दरबार में चमरेंद्र क्या बोलते हैं कि मेरे ऊपर कौन बैठा है, नए नए आते हैं अभी नए नए देव बने में जन्म होता है चमरेंद्र का और देखते ही मेरे ऊपर कोई देव बैठा हुआ है, मतलब मेरे ऊपर उन्होंने सिंहासन लगा कर बैठा है। तो अपने बाकी जो साथी देव होते हैं जो उनके आदि का देव होते हैं ऐसा दुस्साहस ने कैसे किया कि मैं यहाँ का राजा हूँ मेरे ऊपर सिर रख के पैर रख के बैठा है। तो सारे जो देवता रहते जो पुराने समय से देवता रहते हैं ये तो नए नियुक्त होते उस समय उनको बताते कि ये प्रथा कभी से चली आ रही है, आप अपने ईगो को शांत करो मान पशाई को शांत करो क्योंकि ये तो ऐसा नियम नहीं है सौधर्मेंद्र के नीचे आप रहोगे। पर उसको एक्सेप्ट नहीं होता, वो सोचते हैं ऐसा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये तो मेरा अपमान है, मैं सौधर्मेंद्र से लड़ने जाऊंगा। मानो क्या कर रहे हैं, लोहा लेने जा रहे हैं, नीचे का देव ऊपर के देव से लड़ने जा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं कि नीचे का देव ऊपर के देव से लड़े, पर ऐसी घटना घटती है वो सौधर्मेंद्र से लड़ने के लिए निकले और बीच रास्ते में जब मनुष्य गति आती है मनुष्य लोग में भगवान महावीर ध्यान में खड़े उनको प्रणाम करते कि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ सौधर्मेंद्र के पास जाते और लंगारते उसको मानो उसके खून को बहा रहे। सौधर्मेंद्र ये कौन आ गया क्या, तो उनके देवता बताते हैं ये नीचे देवों का चमरेंद्र है इसने दुस्साहस किया आपसे लड़ने का। और उस समय क्या होता है, सौधर्मेंद्र अपना वज्र निकालते हैं, वज्र का प्रहार करते हैं और वज्र सीधा जा रहा है। चंद्र समझ जाते हैं कि कुछ महाभयानक अस्त्र है, वो तुरंत भागते हैं और भागते भागते वापस पुनः महावीर के पास आते हैं और महावीर के पास आकर के हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। वो वज्र की इतनी शक्ति थी कि भगवान महावीर के आकर के पास आकर के उसका उस प्रहार हो तो क्या करते हैं, वज्र चक्कर लगा रहा है भगवान महावीर के इर्द गिर्द। और जब सौधर्मेंद्र देखते हैं तो समझ जाते हैं कि शायद कोई विशेष चित्रकर आत्मा के आसपास कोई जीव बैठा हुआ, ये चंद्र जाकर बैठा हुआ है
और जब आंख करके देखते तो मालूम पड़ता है कि चंद्रेंद्र ने परमात्मा के शरण को स्वीकार किया है, मानो मेरा साधन भी किया है। वो द्वेष भूल जाते हैं और वो दोनों पुनः मित्र बन जाते हैं। उनको समझाया जाता है कि तुम्हारा देवलोक की अलग व्यवस्था है, मैं ऊपर के देवलोक का मालिक हूँ, हम दोनों परस्पर मित्रता का व्यवहार करेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे। पर एक अक्षेरा होता है कि नीचे के देवलोक का एक देव ऊपर के देवलोक का प्रहार करता है। अब आठवीं घटना, मोक्ष जाने वाले एक नवीं घटना में शामिल होना, मोक्ष जाने वाली आत्मा के बारे में बता दें कि एक साल कितनी आत्मा मोक्ष में गई, तो 500 धनुष की काया वाली आत्मा ऋषभनाथ परमात्मा के सामने स्वयं ऋषभनाथ निन्यानवे पुत्र और पुत्र और आठ भरत के पुत्र, ऐसे 108 लोग एक साल मोक्ष में कभी नहीं गए। 500 धनुष की काया वाले जीव एक साथ मोक्ष में जा रहे हैं, नवा छेरा हुआ। और 10वां छेरा की तीर्थंकर सिद्धिनाथ, तीर्थंकर सिद्धिनाथ भगवान के मोक्ष पधारने के बाद लंबे काल तक साधु धर्म का विषय हो चुका था, साधुओं का स्थान कोई और साधु ने ले चुका था, जिन शासन का पूरा हाँ तथा पूरे कमी आ चुकी थी और जिन शासन पूरा दबते जा रहा था, ऐसे लंबा काल जहाँ पूजन बंधन नकली साधुओं को, मतलब जो साधु नहीं थे ऐसे असाधुओं को, जो पंचकार महाभारत साधु नहीं थे, जो छोले में तो थे, जो अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे, ऐसे उस समय हुआ कि लंबे काल तक तीर्थंकर के शासन का क्या हुआ, विच्छेद हुआ। ऐसा ही अक्षेरा 10 अक्षेरा यहाँ हुआ। अब हरित कमी श्री देव अपना कर्तव्य निभाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो देवानंद की माता की कोशिश से परमात्मा को कहाँ ले जा रहे हैं, त्रिशला माता की कोशिश में। उस समय की टेक्नोलॉजी ऐसा बोलती कि ऐसा हो सकता है, अभी ऐसा हम मानते नहीं, पर देवपादंता ब्राह्मण की कुक्षित से परमात्मा का गर्भ ट्रांसप्लांट हुआ मानो, मानो वो परमात्मा अब कहां जा रहे हैं, कृष्णा माता के गर्भ में आ रहे हैं। और ऐसा देव 6 महीने की गति से तीव्र चल करके, बहुत तीव्र गति की स्पीड से आए, नॉर्मल चलते तो 6 महीने लगेगा वो नीचे आने में, पर हरिंद कमेशी देव विशेष अपनी शक्ति से आते हैं और ये कार्य मानो एक विशिष्ट कार्य को दिया गया है, वो करते हैं और वापस पुनः जाकर के इंद्र को बताते हैं कि आपके द्वारा दिया गया कार्य मैंने कर दिया है। अब परमात्मा कहां आ चुके हैं, परमात्मा अपने बहुत करीब आ चुके हैं, इसी भरत क्षेत्र में राज कौन सी नदी थी, कुंडलिनी छत्री कुंड में परमात्मा आ गए। अब अपने बहुत करीब आ चुके हैं, परमात्मा आ गए क्या करीब, क्या करते हैं करीब आए क्या, सोचो कल परमात्मा अगर वो प्रत्यक्ष दिखेंगे, पर आप महसूस कर रहे हैं परमात्मा बहुत करीब आ चुके हैं। पर एक बात विशेष करनी आप सबसे, अगले 3-4 महीना से छुट्टी कि परमात्मा कृष्णा माता के गर्भ में जा रहे हैं, आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना काम कर दिया, अर्बो आत्मा में से कोई आत्मा के धनकर बनती है, ऐसा शास्त्रों में कई बार होगा, कई जगह आता है कि बहुत कुछ आत्मा का ऐसा सौभाग्य मिलता है कि तीर्थंकर बने, पर ये सौभाग्य तो मिल सकता है नहीं, तीर्थंकर के माता पिता या तीर्थंकर के परिवार का बनू है, पर हम सबको ये सौभाग्य भी नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर के कुल में जो भी जन्म लेता है वो 7-8 भाव के अंदर मुक्त तो होके रहेगा, पर अभी तक हमारी मुक्ति नहीं हुई है, इसका मतलब अभी तक हम तीर्थंकर के कुल में भी नहीं आए। अरे तीर्थंकर बनना तो बहुत दूर की बात है, पर सोचो तीर्थंकर के माँ बाप बनने का सौभाग्य नहीं मिला, इतने सारे पुत्र पुत्री को जन्म दिया अपने, अनंत जन्मों में कितनों से रिश्ता बना लिया, कितने सारे जन्म मरण किए, कितने बार इस गर्भ में कितनों को लाया, पर ऐसी आत्मा को मिला पाया तो क्यों नहीं मिला ऐसा सौभाग्य, क्यों हम कृष्णा रानी और सिद्धार्थ नहीं बन पाए, क्यों हम नंदी वर्णन नहीं बन पाए, आज इस चीज को फील करना ताकि कल हम जब जन्म महोत्सव बनाएंगे ना भगवान का, तब हमको लगे कि परमात्मा तो मैं बनूंगा जब बनूंगा, पर परमात्मा के परिवार का भी मैं बन जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, तो क्यों नहीं बन पाए। तो एक छोटा सा भजन गा करके आज की सभा यही एंड करेंगे, पर ये भजन को फील करना कि हमारा कल्याण कृष्णा माता की तरह क्यों नहीं हुआ, सब बहने साथ में। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कल्मश दशा की लगी हुई है तेरी,
परछाई की लगी हुई है घेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, नहीं कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, घर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हृदय हमारा